तो भाइयों और बहनों, आज सबसे ज्यादा डिमांडेड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। किसके साथ? दी वन एंड ओनली अनिर्बन रॉय भैया के साथ। तो एक बार आप उनसे ही उनका इंट्रोडक्शन सुन लो। तो अनिर्बन भैया, एक बार आप सभी बेनिटेंस को, जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से 2000 लोग तो सुनेंगे इस वीडियो को, तो उन 2000 लोगों को एक बार आप इंट्रोड्यूस कर दो कि आप कौन हो। हेलो एवरीवन। तो मैं हूँ अनिर्बन, जिसका अभी लाइक मीटा में लगा है, रिसेंटली फुल टाइम मिला है। सो मैं फोर्थ ईयर CSE का हूँ। सो आज ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो आप अपना, मतलब आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा आप बता दो स्टार्टिंग में। तो ओके, सो बेसिकली लाइक सो इट सबको पता ही है कि जो प्लेसमेंट है ये, मतलब ये जो मीटा में मिला है, ये टोटली ऑफ कैंपस था, ऑन कैंपस नहीं है ये। हाँ सो इसके तैयारी के मैं बात करूँ कि लाइक कैसे मिला वगैरह वगैरह, तो लाइक मैंने इसकी तैयारी बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, मतलब जैसे कब से? मैं क्लास 9 में था, 9th स्टैंडर्ड से हाँ, मैंने ये तैयारी शुरू की थी। मतलब आपके सो दिमाग में मेटा ही था, लाइक मेरे को फेसबुक में ही जाना है, इस टाइप से ही? नहीं, ऐसा टाइप नहीं था, बल्कि अच्छा, इनफैक्ट लाइक बहुत लोगों को लगता है कि मुझे सॉफ्टवेयर मिला है, HDMI वगैरह में मिला है मुझे, और हाँ मेरा हाँ DSA वगैरह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसा नहीं हाँ है, पहली बार मेरा सॉफ्टवेयर में लगा ही नहीं। मेरा जो हाँ जॉब रोल था वो नेटवर्क इंजीनियर का था। ओके, तो उसमें बेसिकली कंपनी नेटवर्क के साथ हम लोग काम करते हैं, डेटा सेंटर हो गया, बैकबोन हो गया, इनके साथ हम लोग काम करते हैं बेसिकली। अच्छा, और नेटवर्किंग मैंने लाइक क्लास 9 में मैंने शुरू किया था। तो क्लास 9 में मैंने पता चल गया था मुझे कि मुझे लाइफ में यही करना है, लाइक यही चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो मैं यही करूँगा। तो तो उसके आप, बाद हाँ, हाँ मैं मतलब बोलो। ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आप 9th में, लाइक हम लोगों को तो यही होता है कि भाई, मतलब मैं जनरल बता रहा हूँ, अपना भी बता रहा हूँ, मेरा भी यही था कि भाई स्कूल का होमवर्क खत्म करो, खेलने जाओ। तो मतलब आपका तो चलो केस रखता और उसका फल आपको मिल भी गया ऑब्वियसली, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे 9th में आपको, मतलब ऐसे गाइड किसने किया, या आपने कौन सी वो वीडियो या किसको देखा कि आपके आपके मन में आया, या आपने क्या ट्राई किया जिससे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मतलब वो इनिशियल चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। ओके, सो हाँ बेसिकली लाइक 9 में, मतलब मेरा कंप्यूटर साइंस में लाइक बचपन से काफी इंटरेस्ट था, लाइक काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। हाँ बट उस वक्त मतलब मेरे ऐसा था कि मेरे पास इंटरनेट था, ठीक हाँ है, हाँ तो हाँ इंटरनेट में मैं मतलब खोल के लाइक अलग अलग चीजें देखता था। यूट्यूब देख लिया, कभी कभी कुछ सीख लिया, कभी हार्डवेयर सीख लिया, कभी सॉफ्टवेयर सीख लिया, लाइक जो भी सीखने मिलता था सीख लेता था ऑनलाइन, क्योंकि इंटरनेट में लाइक सब कुछ पड़ा हुआ है। कोई भी चीज अगर चाहिए होता है कुछ भी करने के लिए लाइफ में, तो सब कुछ इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, बस तुमको ढूंढ के निकाल के उसको करना है। सही तो बात। बेसिकली लाइक क्या है कि मैंने ना एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, तो वो नाम तो नहीं बता सकता मैं पॉडकास्ट में, हाँ, बट कोई एक दिक्कत नहीं है। इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था मैंने। तो वो इंस्टीट्यूट क्या करता है कि बेसिकली ट्रेनिंग देता है कंप्यूटर साइंस में, जैसे हार्डवेयर अच्छा, हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, OS हो हाँ गया, लिनक्स हो गया, सर्वर हो गया, विंडोज सर्वर हो गया, तो हाँ नेटवर्किंग हो गया। तो नेटवर्किंग में लाइक तब मैंने शुरू किया था क्लास 9 में, लाइक उसका उनका आखिरी मॉड्यूल था नेटवर्किंग का, कुछ 2 महीने का था वो। तो मैंने अच्छा, जब स्टार्ट किया था तो मुझे लाइक इनिशियली काफ़ी इंटरेस्ट लगा मुझे। तो मेरे जो सर थे, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि लाइक नेटवर्किंग में क्या स्कोप है वगैरह वगैरह, तो उन्होंने मुझे लाइक यूट्यूब वीडियो प्लेलिस्ट सजेस्ट किया था। वो और किसका था, अगर याद हो तो वो बता दो, अगर आपको याद है तो। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है वो ऑथर का नाम, बट ढूंढने से मिल जाएगा, लाइक मैं अच्छा ढूंढूंगा तो अच्छा मिल जाएगा, ठीक ठीक है है। ठीक बट है। ऐसे लाइक बहुत ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे नेटवर्किंग रिलेटेड, ठीक है। तो मैं क्या करता था, 9 की बात कर रहा हूँ, तो मैं हर रोज मतलब सोने से पहले लाइक 1 घंटा मैं वीडियो देखता था, तो बेसिकली एक प्लेलिस्ट था तो वीडियो देखता था वहाँ पे। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ग्रो हुआ, मतलब मुझे लगा कि ओके ये चीज़ मुझे करना है, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है और मैं इसको लाइफ लॉन्ग खींच सकता हूँ, भले ही वो जॉब अच्छा, हो कुछ भी हो। बट उसका एक अलग साइड भी था कि नेटवर्क इंजीनियर का डिमांड इंडिया में उतना नहीं है। मतलब उस वक्त में पता चल गया था मुझे कि अगर मैं इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ूँ तो मुझे हाँ जॉब नहीं मिलेगा इंडिया में, तो एटलीस्ट कहीं नहीं मिलेगा, अगर मिलता भी है तो वो 3 लाख 2 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। यही दृष्टि नहीं है जो नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं इंडिया इंडिया के, जो बहुत कम अच्छा सैलरी मिलता है एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर। बट वही काम, अगर वही सेम काम अगर आप लाइक बाहर जाके करोगे, कोई US UK हो गया, कहीं पे ऑस्ट्रेलिया बाहर जाके करोगे अगर, तो उसका काफी डिमांड है। लाइक इनफैक्ट जो पे है, पे इज इक्वल टू अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितना पे लेता है उसके बराबर होता है नेटवर्क इंजीनियर का, लाइक दे बोथ बिलोंग टू सेम कैटेगरी। तो तभी मैंने सोच लिया था कि ओके मैं ये कर रहा हूँ, मुझे पता था कि मुझे जॉब नहीं मिलने वाला इंडिया में,
तब भी मैंने ये अच्छा रिस्क लिया, मैंने ये रिस्क लिया बेसिकली, मैंने ये रिस्क लिया तब भी मैंने किया ओके। और तब मैंने सोचा था कि मे बी लाइक बीटेक के बाद कुछ लोन वगैरह लेके मास्टर्स के चला जाऊंगा, बट तभी कुछ हो सकता है मेरा, तब तो मेरा ये प्लान था। बट ये भी नहीं सोचा था कि मुझे कि बाहर से ही लाइक मुझे बाहर ही मिल जाएगा, ऐसा सोचा नहीं था ओ तब। बट मैं करता रहा, लाइक क्लास 9 हो गया, 10, 11, 12 बोर्ड्स एग्जाम के टाइम, मतलब ये चीज कॉन्सिस्टेंटली करता रहा मैं। तो आपका लाइक ऐसा है जैसे अपन लोग का तो क्या था कि 11th 12th में हम लोग को जैसे JEE वगैरह हमने दिया, तो आप उसके लिए नहीं प्रिपेयर किए थे? ओके, तो बेसिकली लाइक मेरी मम्मी, रिलेटिव, दोस्त, हर कोई जेई मेंस में से पढ़ा था, लाइक अच्छा एवरीबॉडी इज लाइक IIT कर लो, NIT में जाना है वरना कोई फायदा नहीं है, एक हाँ घटिया हाँ कॉलेज में जाओगे तो कोई जॉब नहीं मिलेगा, हाँ जिसको लाइक आपने एकदम मेरी गलत प्रूफ कर दिया। चलो ठीक है, हाँ आप बोलो बोलो रिलेटिव्स कंटिन्यू। वगैरह हर हाँ कोई, मतलब मेरे दोस्त समझते थे कि, मतलब जो स्कूल के फ्रेंड्स थे वो समझते थे कि फालतू तो कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे पास हाँ समझते थे बुक रहती थी जो मैं पढ़ता हाँ रहता था, लाइक जब भी मैं बैठा हो फ्री हूँ पढ़ती हूँ, वो इंटरेस्ट था मेरा, लाइक वो हाँ मेरे लिए पढ़ाई नहीं था, वो मेरे लिए वो इंटरेस्ट था। लाइक सोचो कि आप क्रिकेट में तो अच्छे हैं, क्रिकेट आप खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हो, आप इसलिए जाते हो कि क्रिकेट खेलना है, खेलने इसलिए जाते हो कि आपको पसंद है खेलना, ऐसा टाइप का बन गया हाँ था वो चीज़ मेरे लिए, कि इट वॉज काइंड ऑफ क्या बोल दूँ, मतलब मुझे पसंद है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ना कि मैं जबरदस्ती कोई कर रहा है ऐसा कुछ कर रहा हूँ। तो जेई मेन्स के लिए मैं बात करूँ तो मेरा कभी भी मन नहीं था लाइक IIT में, NIT में जाने का, वो लोग कुछ लोगों का सपना है कि IIT में जाना है, NIT हाँ में जाना है, मेरा कभी लाइफ में वो सपना था ही नहीं, लेकिन कभी नहीं था। और मेरी मम्मी, अच्छा दोस्त, रिलेटिव हमेशा मुझे बोलते रहते थे कि क्यों कर रहे हो ये चीजें, फालतू है, कोई काम में नहीं लगेगा, हर वक्त। और मैंने सर्टिफिकेशन भी कर रखी है तो वो भी कभी महंगी आती थी, लाइक काफी महंगी आती है, लाइक एक ही सर्टिफिकेशन, एक ही पेपर देने में ऑलमोस्ट 30K 40K इतना लगता है, एक एक एग्जाम देने ओ में। अगर आप अच्छा पास हो गए तो हाँ बन गई बात, अगर पास नहीं हो हाँ पाए तो वो पूरा पैसा बर्बाद। ठीक है, तो अच्छा मैंने ऐसे हाँ लाइक कुछ 4-5 पेपर्स क्लियर किए थे, मैंने CCCO के हाँ थे, कभी महंगे थे, तो मैं रिस्क लिया कि पैसा लेके मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे करना है, लाइक जबरदस्ती होता है ना एकदम जिद पकड़ लेना कि मुझे ये हाँ करना है, मुझे हाँ करना है, मुझे कुछ हाँ नहीं चाहिए, मुझे मुझे करना है, तो ये जिद लेके लाइक मैंने अल्टीमेटली किया, मुझे जो पसंद था मैंने वही किया, ऐसा था। और JEE Mains के लिए मैं लिटरली लाइक, तुम नाम सुना होगा BMC का, विद्या मंदिर क्लासेस का नाम सुना हाँ अरे होगा, मैं भी उसी से था, विद्या मंदिर तो मम्मी ने भी क्लासेस। जबरदस्ती मुझे लाइक क्लास 10 पास किया। मेरा हाँ CGPA कितना था, 8.8 था, बहुत अच्छा कुछ खास नहीं था, उधर लोगों की CGPA था 9.8, 10, 9.9, उसके हाँ कंपेरिजन में मेरा बहुत कम, 8.8 लाइक बहुत ही कम था, लाइक मेरे जितने भी अच्छा लाइक क्लासमेट्स जितने भी लोग थे, इनफैक्ट हाँ मैं हाँ लोएस्ट था बोल सकते हो, काइंड ऑफ लाइक आई वाज द लोएस्ट। ठीक है, फिर ओ लोगों ने नीचा भी दिखाया कि क्या है, घटिया मार्क्स लिया है, बोर्ड में भी अच्छा नहीं कर पाया, फालतू कर रहा है, तब भी लाइक तो उन लोग खुशी मिल रहे थे कि उन्होंने मुझे गलत प्रूफ कर दिया, उन्होंने तो पहले ही बोल रहा था वो लोग कि मैं फालतू ही कर रहा हूँ, और मैंने उसी चीज़ से प्रूफ भी कर दिया कि मैं फालतू कर रहा हूँ, कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए बोर्ड्स में। उसके बाद भी मैंने लाइक छोड़ा नहीं, क्योंकि तो मैंने मुझे JEE Mains करना ही नहीं, मुझे मन ही नहीं था, मम्मी जबरदस्ती जाके BMC में भर्ती करा दिया, हाँ अब पैसा दिया जबरदस्ती, मम्मी बोल रही करो करो तो करना पड़ेगा, और फीस भी मैंने भी काफी थोड़ा महंगी होती बहुत थी BMC की। फीज काफी था, ये हाँ लोग बिजनेस करते हैं, दिस पीपल आर डूइंग हाँ बिजनेस, पूरा जो बिजनेस है। BMC है, हाँ आकाश है, जितने भी ये लोग ऐसे हाँ इंस्टीट्यूट है ना, दे आर डूइंग बिजनेस, पढ़ाई वढ़ाई होता नहीं है। ठीक हाँ है, मैं बताता हूँ, मैं साफ साफ बताता हूँ एक चीज, हम लोगों का ना केमिस्ट्री फैकल्टी था, ठीक है, वो आता था अपने साथ एक किताब लेके, लाइक नोटबुक लेते आता था क्लास में, पूरा बोर्ड में लिख देता था और चला जाता था, और बोलता था कॉपी कर लो अपने अपने कॉपी में। ठीक है, अब कोई भी किसी क्वेश्चन आता था ना केमिस्ट्री में, उसका आंसर हाँ होता था कि एक्सेप्शन है, लाइक केमिस्ट्री का मुझे कभी समझ नहीं आया कि सब कुछ हाँ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन बन रहा है, राइट। तो मुझे कभी केमिस्ट्री मुझे पसंद नहीं था, अच्छा भी नहीं लगा, बट हाँ मैथ फिजिक्स मुझे इंटरेस्ट लगता था, कभी कभी मैं कर लेता था, उतना कर लेता था मैं, बट केमिस्ट्री की के बात करूँ मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं आया, मैं कभी उतना अच्छे से किया भी नहीं, लाइक ऑर्गेनिक था, अच्छा इनऑर्गेनिक था, कभी नहीं किया, लाइक मुझे करना नहीं था, मुझे जो इतना चाहिए था कि मैं बस बोर्ड जैसे पास कर जाऊँ कैसे भी करके, लाइक बोर्ड्स पास कर जो ऐसे भी करके, इनफैक्ट मेरे 12th में 100 में से कितना 70% आया था केमिस्ट्री में, बहुत सत्तर अच्छा परसेंट बोर्ड्स में, लाइक समझ सकते हो कि बहुत लो है, और लाइक आपके ओवरऑल परसेंटेज कितनी थी 12th में? 12th में मेरा ओवरऑल था 82% अच्छा ये PCM में थी ना? PCM में थी, हाँ ओ PCM ये मेरा मार्क्स था, लाइक बहुत ही लो, मैंने दोस्तों को जानता हूँ 92%, 95%, JEE Mains में 99% लाया, 98% लाया है,
और ऐसे जेई सब कोड मेंस, मिला और जेई देखा मेंस में मैंने आपका कितना आया था? अगर आप शेयर करना चाहो तो, अब तो कर ही सकते हो क्योंकि अब तो एंड तो आपने अचीव कर ही लिया है, तो पास तो बता ही सकते हो। जेई मेंस किसमें में, मेंस में मेंस में मेरा कितना आया था? मेंस में मेरा आया था परसेंटाइल 88.9 के आसपास आया था मेरा परसेंटाइल, ऑलमोस्ट 1,30,000 रैंक, 130,000 रैंक ऑलमोस्ट। तो उसमें से ऑब्वियसली कोई एनआईटी आईआईटी से कतई नहीं मिलेगा, लाइक नहीं मिल ही नहीं नहीं सकता ऑब्वियसली हाँ नॉट। हाँ तो हाँ मुझे उस पता था कि मुझे उस वक्त अपना विश्वास था कि इधर कॉलेज वगैरह बकवास होता है, लाइक ये सब मिथ्स है। कुछ बोलते हैं ना लोग हाँ कि आईआईटी से पास करोगे तो लाइफ में कहीं पहुंच जाओगे, या फिर अगर टीयर हाँ थ्री कॉलेज या टू कॉलेज से अगर कुछ भी करोगे तो वो कहीं काम में नहीं लगने वाला, फालतू कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो, लाख लाख हाँ रुपए। ये ना बकवास है एक्चुअली, ये ये तो चीज पूरा ही बहुत सुनने बकवास को है। मिलता है, बहुत सुनने को मिलता है ये ठीक है, तो। इंडियन पेरेंट्स ना ये सोच के बैठे हैं कि अगर बच्चा आईआईटी आईआईटी नहीं जाएगा ना तो उसे कुछ नहीं हो सकता, ये फैक्ट गलत है। लाइक पूरा इसका 1% भी सही नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सिटी हाँ हाथ में कुछ नहीं रहता। सच बात ये है कि यूनिवर्सिटी टीचर इनके हाथ में लाइक कुछ नहीं रहता, अपनी रहता मेहनत इसके पे हाथ रहता में है, है, अपनी लाइक मेहनत जो पे। स्टूडेंट उसके हाथ में रहना है, वो स्टूडेंट को हाँ अगर वो स्टूडेंट करेगा तो उसको मिलेगा, अगर नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। बात साफ साफ है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो टीयर थ्री घटिया से घटिया कॉलेज से पास आउट है, नाउ दे आर वर्किंग इन यूएसए कैलिफोर्निया, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं गूगल में या फिर मेटा में। ठीक है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ जो आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है एंड स्टिल जॉब नहीं उनके पास, बैठा है घर में। अच्छा तो ये सब कॉलेजेस वगैरह ये सब चीजें लाइक बकवास है। जस्ट बेसिकली पता ह्यूमन नेचर ये कहता है ना कि अगर आप किसी चीज में आप कुछ नहीं कर पाए ना तो वो ब्लेम किसी पर डालना है, लाइक ब्लेम इंसान खुद नहीं लेता अपने ऊपर, किसी पर डाल देता है। तो अगर किसी हाँ को कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में तो वो अल्टीमेटली बोलेगा कि मेरा यूनिवर्सिटी घटिया था, अच्छा नहीं हुआ, मेरा लकी लक भी डाल देंगे, लकी अनलक था मैं, अनलकी था मैं, ऐसा ऐसा अलग से डाल देते, बोल देंगे कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए पैसा नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बल्कि तुमने नहीं किया। लाइक ब्लेम करना आसान है, किसी लोग ब्लेम कर देते हैं, बट अपने ऊपर वो ब्लेम में ना वो चीज़ डिफिकल्ट है, इसलिए कोई नहीं करता। तो अगर आप कुछ कर रहे हो तो अपने आप के लिए कर रहे हो, ना कि किसी और के लिए कर रहे हो। मैं ऐसे हम चीज़ बोलता हूँ कि जेई मेंस मैंने नहीं किया बट मैंने ये किया, मैंने ये किया अपने आप के लिए, मैं अपना करियर बना रहा हूँ किसका, अपना आप करियर बना रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मुझे मेरे लिए लाइक लाइफ में कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, लाइक मुझे क्या करना है। कोई मुझे आगे नहीं बताया कि तुमको जेई मेंस करने की, तुमको इंजीनियरिंग करने की, तुमको क्या करना है। मेरे हाथ में कि मेरा करियर है, लाइक मैं अपना करियर खुद सेट करूंगा ना, क्यों मैं बाकी लोगों को फॉलो करूं या फिर बाकी लोगों की बात सुनूं कि मुझे करियर में क्या करना है। बाकी लोग कर रहे हैं, बाकी लोग सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं या ईमेल में कर रहे हैं, ब्लॉकचेन में कर रहे हैं, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्यों करूँ जाके फालतू। तो वो क्राउड को फॉलो करके फायदा तो है नहीं, तो भले ही मैं हाँ अलग ही रास्ता ले लूँ, एकदम अकेले चल रहा हूँ, कोई नहीं उस रास्ते में, रिस्क वाला रास्ता है, बट अल्टीमेटली मेहनत जो करेगा उसको मिलेगा, बस बात इतनी मिलेगा है। एग्जैक्टली। ठीक है, मैं एकदम ही मतलब बढ़िया बताया आपने तो, काफी मतलब आई थिंक 100% रिलेटेबल है ये। ठीक है, तो अब जैसे एक और चीज, जैसे अब आपने ये आपका ये गोल था, तो आपका डिसीजन बेनेट में आने का कैसे बना? आप बाय द वे कहाँ से बिलोंग करते हैं? ओके तो मैं फिर कोलकाता से, सेंट्रल कोलकाता होता है ना, हाँ लाइक हाँ सेंट्रल कोलकाता शहर से पूरा एकदम। तो हाँ हाँ यहाँ पे एक्चुअली ऑब्वियसली मेरे रैंक सुन के कहीं भी नहीं मिलने वाला था मुझे, राइट। तो मैंने ना दो यूनिवर्सिटीज मैंने लाइक पॉइंट आउट किया था, एक था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और एक था हाँ ये बेनेट। ठीक है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ एक था एग्जाम सीयू सेट करके, तो हाँ मैंने उसमें अप्लाई कर दिया था, वैसे भी दे दिया था, बट मैंने अल्टीमेटली एग्जाम देने गया नहीं, अच्छा क्योंकि पता नहीं समहाउ आई फेल्ड कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मैं जाऊंगा तो मे भी पता नहीं, लेकिन तभी मेरे भी अंदर भी ये चीज थी कि यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है मे भी कुछ चीज है। ठीक है, बट अभी तो मैं पता चल चुका कि यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं रखा। मैं बेनेट में आया इसीलिए क्योंकि ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है और कोई रीजन नहीं है, लाइक बेनेट अच्छा चूज करने का मेरा रीजन यही था। मैंने एक्चुअली वीआईटी में अप्लाई किया था, बिट्स में अप्लाई किया था, वीआईटी से मेरे पास मेल आया था, वीआईटी से मेरे मेल ये आया था कि कुछ 3 लाख रुपए लेके जा कुछ हो जाएगा। तो बेसिकली आई डोंट नो वो क्या चीज था, मेल में आया था मेरे पास ये कि 3 लाख लेके सीधा चले जाओ वीआईटी कैंपस, वहां जाके एडमिशन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसे कुछ मेल आया था। सासू बस पता चल रहा था कि पैसा दो एडमिशन लो, ये वाला चीज था वहां पे जो नहीं अच्छा करना था। फिर एक और इंस्टीट्यूट है कालिंगा, कलिंगा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी की आईआईटी, वहां पे मेरे कुछ दोस्त है, वो जो दोस्त है ना लेकिन लाइफ में कभी 5 से 6 स्कोर नहीं किया स्कूल में या फिर कहीं पे भी, मतलब पढ़ते नहीं थे, वो लोग भी अभी बीटेक कर रहे हैं के आई आई टी से। तो आई डोंट नो के आई आई टी में कैसे एडमिशन होता है, मुझे कोई पता नहीं है, बट मैंने एकदम पता है कि वाइस से वाइस बच्चे से कुछ नहीं आता, वो भी के आई टी में पढ़ रहे हैं,
बदनाम नहीं कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट का, बट मैंने मैंने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, हाँ, जो वो चीज़ बिल्कुल देखा है बिल्कुल, आप मैंने, निश्चिंत होके बोलो को, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक हाँ है। और बेनेट में, और फिर बेनेट में आने का चॉइस ये था कि लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया का है, कुछ प्रेस्टीज है इसका, लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है, तो ऑब्वियसली मैं भी कुछ अच्छा रखा है कुछ, पता नहीं, तो मैंने जैसा सोचा नहीं। और मेरा इसमें भी हुआ था लाइक ट्रिपलाइटी हाजावत का नाम सुना है, अच्छा हाँ, ट्रिपल आईटी का ट्रिपलाइटी, तो, तो वहां हाँ पे उनका खुद का एग्जाम होता है, लाइक मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है उसके एक एग्जाम डुअल का। डिग्री के लिए भी होता है ना, मतलब बहुत सारे हाँ उसके लिए होता है। हाँ हाँ अलग अलग लाइक चार पांच तरीके हैं घुसने के अंदर, एक लैटरल एग्जाम हो गया, एक सैट हो गया, एक जेई मेंस हो गया, एक खुद का एक एग्जाम है उनका। तो उसमें मैंने अप्लाई किया था, तो ऐसा कुछ मेल आया था कि लाइक एक हफ्ते के अंदर अंदर ईमेल आ जाएगा, तो एक हफ्ता हो गया आया नहीं, बहुत टेंशन था मैं कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसके बाद मैं मिनट में एडमिशन ले लिया, मैं यहाँ पे ओपन हाउस हुआ था कोलकाता, कोलकाता में टाइम्स ऑफ इंडिया का एक ऑफिस है रूबी पार्क में, तो वहाँ पे मैंने लाइक ओपन हाउस था, तो वहाँ पे चला गया मैं, कि बेसिकली ओपन हाउस इसलिए था कि कैसे इंस्टीट्यूट है, फिर कुछ फैकल्टीज भी थे वहाँ पे जान पहचान, अभी लाइक जानता हूँ मैं उन कुछ फैकल्टीज को, तो उनसे मैंने बात किया कि कैसा प्रोग्राम्स है, बीटेक लाइक बीटेक में क्या क्या मिलेगा, कैसा प्लेसमेंट है वगैरह, मैं लाइक पूछने गया था वहाँ पे, ठीक है। तो एडमिशन लेने के बाद पता चला मेरा कि IIIT हैदराबाद भी मेरा हो चुका था। अच्छा तो उसके बाद मैंने अल्टीमेट, पता नहीं मैंने अल्टीमेट लाइक चेंज नहीं किया, मैं चाहता सोचा था बीटेक बैनेट छोड़ के मैं जा सकता था, अल्टीमेट मैं किया नहीं वो काम, मैंने तो ये बहुत किया बड़ा नहीं, डिसीजन है कि IIIT हैदराबाद के ऊपर आपने बेनेट को चूज किया। क्योंकि मैं नहीं, मैंने चूज नहीं किया, मैं चूज कर चुका था ऑलरेडी, लाइक मैंने पैसे दे दिए थे, एडमिशन फी दे दिया था, मैं ऑलरेडी सीट का मन बैठा लिया था कि मुझे यहाँ पे आना है, अब और कुछ नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे चुपचाप पढ़ाई करना है बस, जो करने आ रहा हूँ वो चुपचाप करना है, जो कुछ नहीं करना, ये मेरा लाइक सोच लिया हाँ था मैंने कि अब यही करना और क्या ही करूँ मैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में जब ऑफिस में गया तो उन्होंने सिलेबस दिखाया, तो सिलेबस में दिखा कि काफी नया करिकुलम है, ये अच्छी बात है बेनेट की, काफी अच्छी करिकुलम है, जो लाइक मैं देखता हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज में लाइक केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, हाँ अभी बेनेट में भी बायोलॉजी वगैरह पढ़ाया जा रहा है, बट हमारे टाइम में बायोलॉजी केमिस्ट्री नहीं था, फिजिक्स था मैथ्स था, जो कि ठीक है एक इंजीनियर को फिजिक्स केमिस्ट्री सॉरी केमिस्ट्री मैथ्स आना चाहिए, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, फिजिक्स था बायो, मैथ्स आना चाहिए। तो हाँ बायो का मैं ये बोलूंगा कि जैसे बायो तो हाँ मैंने भी की थी इसमें बेनेट में आने के बाद, मेरे उसमें भी था, बट बायो में मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ, मतलब लाइक ए प्लस ही आया था मेरा भी। तो उसके अंदर ये था कि मतलब जितना बेसिक से बेसिक हमें नॉलेज हो ना, और टीचर भी अच्छी, मनुस्मृति मैम करके थी, वो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था, डिसेंट पढ़ाया था काफी। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा ही, मतलब ज्यादा इन्फॉर्मेशन, जरूरत से ज्यादा, मतलब एकदम मिनिमल सी इन्फॉर्मेशन थी जितनी एक इंजीनियर के दिमाग में होनी चाहिए ना मेडिकल के रिलेटेड, उतनी इन्फॉर्मेशन, उतना पढ़ाया था हमें। और टेस्ट भी आसान आया था, उन्होंने बोला था कि मुझे पता है कि आप लोगों का टेक बैकग्राउंड है, आपको टेक में ही जाना है आगे, तो ये आपका इतना काम नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं आप पे इसका प्रेशर नहीं डालूंगी। उन्होंने बहुत अच्छे, मतलब मैं ये तो जिनसे भी बात होती है ना कि फैकल्टी तो बेनेट की बेस्ट है, मतलब जो पहले पहले वाले फैकल्टी हैं अभी अभी वाले, वही तो ये तो है, मतलब बायो का तो ये हो गया। चलो ठीक है ठीक है, अब आप कंटिन्यू करो। मुझे का फिर एक नया करिकुलम लगा था लाइक बेनेट का, तो और तो मैं सोचा कि ठीक है लाइक, और मेरा मुझे केमिस्ट्री दोबारा नहीं चाहिए था, क्योंकि केमिस्ट्री ना मेरा लाइफ का सनी है, जब भी आता है लाइफ में मेरा मार्क्स खा के जा चुका है, लाइक हमेशा हुआ है, मेरा स्कूल में भी जेई मेंस में भी, पता है जेई मेंस में मेरा बता रहा हूँ, मेरा मैथ्स में पर्सनल आया था 95, फिजिक्स में आया था 89, ठीक है, और केमिस्ट्री का आया था 60, लाइक पूरा गिर गया था केमिस्ट्री में, ठीक है, मतलब इतना अगर अगर केमिस्ट्री हटा दो ना तो परसेंटाइल काफी ज्यादा ऊपर चला जाता है, लाइक अगर मैं केमिस्ट्री हटा दूँ एक बारी को, ठीक है, तो केमिस्ट्री मुझे चाहिए नहीं चाहिए था। और इनफैक्ट फिजिक्स में भी, फिजिक्स मैथ्स ठीक है लाइक एक टाइम पे किया था फर्स्ट ईयर में किया था, बट द थिंग इज मैंने एक रियलाइज किया कि अभी जरूरत नहीं है उस चीज़ों की, मतलब जैसे हम लोग बचपन से करते आए हैं कि हिस्ट्री सिविक्स पॉलिटिक्स वगैरह क्या है कुछ से पता होना चाहिए, बट अल्टीमेटली मेजोर चीजें हम लोग भूल चुके हैं राइट, किसी को नहीं पता, क्लास 6 में 7 में क्या पढ़ा था हिस्ट्री में मुझे एक कुछ याद नहीं है, नहीं ठीक हाँ, पर है। मेरा ये मानना है कि जैसे ये चीज, हाँ ये चीज मे भी है, बट
लाइक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मतलब ये सब हमें शायद इसलिए पढ़ाते हैं SST, क्योंकि देखो हम रटते ही थे बेसिकली 10th तक, है ना। हाँ, एग्जैक्टली तो वो उस चीज ने मेरे को ऐसे हेल्प किया, मेरे को क्या, हम लोगों को मतलब सभी को, कि मतलब हमारा मेमोराइजिंग पावर बढ़ गया। तो अब ये ऐसे हेल्प करे, जैसे अभी मैं DSA पढ़ता हूँ तो इसके अंदर काफी एल्गोरिदम्स है, तो अब वो मेमोराइज हो जाते हैं, मतलब एक बार कर लिया, दो बार, तीन बार कर लिया, मेमोराइज हो गए वो एल्गोरिदम्स एकदम। तो वो ओके चीज यहाँ हेल्प कर रही है, मतलब वो ब्रेन पावर बढ़ गई हमारी, मतलब जो स्टोरिंग पावर है ना वो SST के आंसर्स रट रट के बढ़ चुकी है, मतलब वो यूज्ड टू हो जाता है ब्रेन। तो मेरे को वो चीज यहाँ हेल्प कर रही है, तो लाइक आई थिंक उसका यही यूज होगा शायद से, मे बी। ओके okay, मैं अपना एक वो देता हूँ, लाइक व्यू देता हूँ हाँ इसमें कि हाँ हाँ मेरा ना, मैं बचपन से ना मैं रट्टा एकदम नहीं मार सकता। लाइक पोएम्स बचपन होता था, पोएम्स याद करके हाँ जाओ, याद करके जाओ। फिर हाँ टीचर एग्जाम में हाँ बोलो, मैं कभी नहीं मुझसे रट्टा, लाइक कब रट्टा मेरे, मतलब मैं कभी नहीं कर पाया, ठीक है, लाइक मेरे से रट्टा कभी नहीं हुआ। बट जितना रट्टा नहीं हो पाया ना, उतना मैं चीजों को समझ पाता था कि लॉजिकली कैसे बन रहा है। इसलिए मैथ्स फिजिक्स क्या है कि उसमें अगर कॉन्सेप्ट समझ गया ना, कैसे हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम आ जाए ना सॉल्व कर लोगे आप, राइट। क्यों पता है कि लॉजिक क्या है, कि लॉजिक या फिर वो पजल सॉल्व करने का वाला जो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स होती है, वो आई हैव दैट, ठीक है। इसीलिए बचपन से मैंने कहीं रट्टा नहीं मारा, बट जहां जहां पे जैसे मेरा बचपन से मैथ्स काफी स्ट्रांग रहा है, क्योंकि क्योंकि उसमें रट्टा नहीं करता मैं कभी। लाइक कोडिंग मुझे आती है, क्यों, क्योंकि मैं कभी रट्टा नहीं मारता हूँ। DSA बहुत अच्छे से नहीं आता, बट मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, क्यू क्या होता है, AVL क्या होता है, आई नो कि इसे काम करता है, लाइक उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कोई रट्टा नहीं मारा। मुझे कोई पूछेगा ना कि बताओ व्हाट इज AVL3, शायद मैं ना बोल पाऊँ कि AVL को डिफाइन नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैंने रट्टा नहीं मारा कभी। बट आई नो एग्जैक्टली वो काम करता क्या है, लाइक उसका काम क्या है, लाइक कहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है। तो वही बात है कि नेटवर्किंग में भी से, नेटवर्किंग में मैं बात करूँ ना, तो उसमें ना बड़े, लाइक बड़े पड़े कॉन्सेप्ट, मतलब सिंपल सी चीज है, लाइक दो कंप्यूटर से मान लो कैसे कम्युनिकेट करेंगे। अगर किसी बच्चे से पूछोगे तो बोलेगा कि हाँ ये बेचता है वो बेचता है, ऐसे कम्युनिकेट होता है, एक लाइन में हो गया आंसर। बट इसी चीज को ना यू कैन लाइक स्पीक ऑन 1 आवर, 1 घंटे से 1 घंटा लेके यू कैन स्पीक ऑन दैट ओनली ओनली दैट सिंगल थिंग। इतना कॉम्प्लेक्स हो सकता है वो चीज, लाइक सिंपल दिखना सिंगल सिंपल लग रहा है, बट उतने में लगे इतना कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इतना चीजें समझना है उस चीज में कैसे हो रहा है, कैसे लॉट। तो मैंने वो चीज समझ ली तो मैं रट्टा नहीं मारा, राइट। हाँ और मेरे हाँ मुझे याद है लाइक मेरे स्कूल में कुछ दोस्त थे ना, तो वो इंग्लिश में क्या होता था कि क्वेश्चन आता था तो उसका ना आंसर कर रट लेता था पूरा, तो जहां पे कॉमा, जहां पे फुल स्टॉप, जहां पे एन ए द, पूरा एज इट इज। अगर बोलोगे ना आप उसको कि इसका आंसर बताओ, वो जो आंसर क्या देगा ना, जो मेन क्वेश्चन आंसर था कंपेयर करोगे ना, डिफरेंस 0 मिलेगा, लाइक कोई अंतर नहीं। जहां पे फुल स्टॉप है और फुल स्टॉप रहेगा, जहां पे लाइक एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट को बोलते हैं, उनको मिलता था 10 में 10 इंग्लिश में, ठीक है। क्योंकि और भी इंग्लिश छोड़ो, साइंस में भी, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, सब में, क्योंकि स्कूल में ना रट्टा मारने का पावर दिखाया जाता है एक्चुअली, एंड दैट इज वेरी बैड अबाउट दिस इंडियन एजुकेशन। मैं मानता हूँ कि रट्टा मारना सब कुछ नहीं होता, रट्टा हाँ ऑब्वियसली सब्जेक्ट अलग अलग है, कुछ सब्जेक्ट रट्टा मारना जरूरी है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बट कुछ चीजों में रट्टा नहीं चलता, लॉजिक चलता है, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, राइट। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग दिमाग लगता है, कोई रट्टा में अच्छा है तो वो लाइक ऐसा सब्जेक्ट कर सकते हैं जिसमें रट्टा का वो स्किल्स लगे, या फिर कोई ऐसा है जो जिसको लॉजिक समझ आता है तो वो लाइक मे बी मैथ्स मैथ्स में अच्छा हो सके, तो ऐसा है। तो मुझे कभी लाइक स्कूल में अच्छे नंबर नहीं आए, लाइक कभी नहीं आए। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ, बायोलॉजी केमिस्ट्री ये तो सब्जेक्ट मेरा हमेशा से दिख रहा है, लाइक हमेशा से, कभी लाइक, और मैंने इम्प्रूव कम किया भी नहीं इम्प्रूव, क्योंकि मुझे पता कि इसके इम्प्रूव करना मतलब रट्टा मारना और कुछ नहीं, जितना भी अच्छे से कर लो जाके लिख के आओ कोई फायदा नहीं है। मैं समझ लेता था, फिर अपने लैंग्वेज लिख के आता था, मार्क्स नहीं मिलता था, टीचर हमेशा बोलता था कि ये लैंग्वेज नहीं, बुक का लैंग्वेज लिखो, बुक का तो लैंग्वेज होना चाहिए। बेसिकली मतलब आप मतलब बेसिकली क्रक्स से निकल रहा है ना बात, क्या कि लाइक मतलब
ऐसे एज सच मार्क्स इतने मैटर नहीं करते, लाइक स्कूल के तो मैटर करते ही नहीं है इस टाइप से, मैं एग्जैक्टली बोल सकता हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा जैसे अब ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, लाइक आप बेनेट का जो आपका फर्स्ट ईयर था उसके अंदर जैसे अब ये जो कोर्सेज थे, तो अब जैसे आपका मेन फोकस था नेटवर्किंग पे, तो आपने क्या कोडिंग कब, आपने से कोडिंग सीखनी तो स्टार्ट की होगी, तो लाइक फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दी थी आपने कोडिंग सीखनी? ओके सो कोडिंग के बारे में बात करूँ तो दोनों अलग अलग चीजें, देखो नेटवर्किंग अलग चीज है, कोडिंग अलग चीज है। मैं बताता हूँ लाइक स्टार्ट कैसे हुआ। तो कोडिंग मैंने स्टार्ट किया था सी लैंग्वेज से, सी सी प्लस प्लस भी नहीं, ओनली सी, जिसमें याद करो लाइक लो लेवल चीज होती थी एकदम, हाँ लाइक वो तो, हाँ मेमोरी थोड़ा मुश्किल एलोकेट होता करना, है। क्लास हाँ वगैरह, वो मैंने शुरू किया था क्लास 6 में शुरू किया था मैंने वो चीज। क्लास तो 6 से सी स्टार्ट पढ़ रहे थे आप? हाँ, तो मुझे एक बुक मिला था, लाइक मेरी एक दीदी थी ठीक है, वो अभी लाइक यूएसए में है, लेकिन खुद का दीदी नहीं, लेकिन रिलेटिव का फैमिली का एक दीदी, मैं दीदी बोलता हूँ बेसिकली ठीक है। तो उन्होंने ना मुझे एक एक बुक दिया था, यशवंत कनेटकर का, लाइक सुना, बहुत ही पॉपुलर ऑथर है यशवंत कनेटकर, अभी भी लाइक बहुत पॉपुलर बुक्स है उनके ठीक है। तो बुक का नाम था लेटेस्ट सी, तो हाँ लेट अस सी। हाँ वो बुक मुझे मिला था। तो मैंने क्या किया, लाइक ऑनलाइन गया, डाउनलोड किया टाइपो सी प्लस प्लस, लाइक होता था ना आईडी आता था ना टाइपो सी प्लस करके, डाउनलोड किया और मैं अपने मन से पढ़ता था, समझता था, करता रहता था। वो ही था इफ एल्स फॉर लूप राइट। तो हाँ उस वक्त मुझे कभी समझ नहीं आया कि क्लास बेस्ड प्रोग्राम होता है, उस क्या होता है, मुझे कभी समझ नहीं आया ठीक है, लाइक कभी समझ नहीं आता था। बस कुछ चीजें मैंने किया, बेसिक चीजें किया, फिर धीरे धीरे मैंने लाइक सी के बाद मैंने ये शुरू किया, सी शार्प में थोड़ा बहुत किया मैंने, सी शार्प डॉट नेट होता है ना, डॉट नेट एप्लीकेशन, डॉट हाँ नेट हाँ वो हाँ किया। तो उसमें उतना लाइक लो लेवल चीजें नहीं है, तो उसमें तो अच्छे समझ आने लगे कैसे हो रहा है क्या हो रहा है ठीक है। बट उसके बाद वही है, लाइक मैं स्काउटिंग में था, लाइक बीएसएनजी सुना होगा, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। तो पूरे वर्ल्ड में स्काउट्स है, तो इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग बोलते हैं बीएसएनजी, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। तो वहां पे ना मैं स्काउटिंग करता था, लाइक कुछ मैं 3 साल किया था वहां पे ना। प्रॉब्लम पता है क्या था, कि बहुत ज्यादा गंदा पॉलिटिक्स होता है वहां पे, लाइक पॉलिटिक्स गंदा वाला होता है। तो मैंने ना गुस्से में छोड़ दिया, लाइक इतना गंदा पॉलिटिक्स मेरे साथ किया गया, मैं वो इवेंट तो नहीं बता रहा, बट मेरे साथ पॉलिटिक्स हुआ था गंदा वाला, तो मैंने ये आप छोड़ स्कूल दिया। लाइफ बता रहे हो? मैं क्लास बात क्लास 9 की बता रहा हूँ, लाइक सेवन एट अच्छा एट 9 की बात बता रहा हूँ अच्छा अच्छा ठीक अच्छा है। हाँ तो मैं स्काउटिंग करता था, मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि पॉलिटिक्स होता था वहां पे। वहां पे अच्छा छोड़ने छोड़ने का मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे कंप्यूटर साइंस अच्छे से करना है, क्योंकि इंटरनेट में कितना ही सीख लूंगा मैं, मुझे कहीं पे लाइक एडमिशन लेना वगैरह वगैरह। तो मेरे मामा जी तब थे एनआईआईटी में, लेकिन एनआईआईटी सुना होगा लाइक प्राइवेट कोचिंग लेते हैं ना। तो उन्होंने बताया कि यार सॉफ्टवेयर कर सकते हो या हार्डवेयर कर सकते हो ठीक है। तो उसने बोला कि सॉफ्टवेयर अभी समझ नहीं आएगा तुम्हें, तुम हार्डवेयर कर सकते हो। तब जाके मैंने एक इंस्टीट्यूट में मैंने ज्वाइन किया, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं राइट। तो वहां जाने के बाद दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। तो उसके बाद चीजें मुझे लाइक समझ आने लगी, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो और मैं उधर भी उसमें आपने बढ़ता कोई गया। ऐसे लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी थी वहां पे भी उस इंस्टीट्यूट में? नहीं, हार्डवेयर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं लगता, हार्डवेयर अच्छा सॉफ्टवेयर अच्छा अलग आपने वहां है। पे वो हार्डवेयर के लिए इंस्टीट्यूट, चलो ठीक है। तो ये जर्नी जो था ना नेटवर्किंग का, ये क्लास 9 में शुरू हो गया था, अच्छा ये ब्रेडा के नहीं हुआ। नेटवर्किंग जो मैं पढ़ रहा था, मतलब क्लास 9 से शुरू कर दिया था, और 12th तक मेरे पास सारे सर्टिफिकेशंस थे जो भी मैंने अभी तक किया नेटवर्किंग के। बेनेट में आके मैंने बस दो चीजें की, इनफैक्ट एक चीज आके चीज की, पता है क्या, क्या जो बेनेट का जो कोर्सेज वगैरह है वो पढ़ा, रट्टा मारा, एग्जाम जाके दिया है, ताकि मैं सीजीपी मेंटेन रहे, और मैंने कोई कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं किया मैंने यहाँ आके, सच बताओ तो। लाइक प्रोडक्टिव होते हैं ना जो, हाँ यहाँ आके मैंने एक और चीज किया, क्लाउड, क्योंकि नेटवर्किंग, अब नेटवर्किंग का जॉब नहीं मिलेगा इंडिया में राइट। तो सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा मुझे नेटवर्किंग के अलावा भी। तो मैं सोचा कि क्या कर सकते हैं, कोडिंग तो नहीं जाता नहीं है मेरा, डीएसए करने का मन नहीं लगता, क्या कर सकता हूँ, क्लाउड ट्राई करके देखते। तो मैंने AWS क्लाउड शुरू किया ठीक है। अच्छा हाँ मैं एक चीज बोलना भूल गया बिल में, कि नेटवर्किंग के बाद में ना बहुत कुछ चीजें किया था मैंने, जैसे फायरवॉल किया था मैंने, चेक पॉइंट फायरवॉल होता है, फोर्टिगेट फायरवॉल होता है, वो चीजें सीखा था मैंने राइट। प्रॉपर ट्रेनिंग लिया था मैंने, प्रॉपर ट्रेनिंग, पालो ऑल्टो फायरवॉल आता है वो मैंने किया था। तो ये आप फिर किसका, कौन से ईयर का बता रहे हो? लाइक ये सब फर्स्ट ईयर में आके आपने किया नहीं, ये था? मैंने किया था क्लास 11 में, किया था मैं क्लास 11 की बात कर रहा हूँ, मैं 11 की, अच्छा इतना सब कुछ आप स्कूल में ही कर लिए थे क्या? मेरा मैं बताऊंगा लाइक आई विल से, मैं बात बताता हूँ कि मेरा रूटीन कैसा होता था, लाइक एक दिन का तो बताऊंगा फिर मैं। आपने फर्स्ट ईयर में आके क्या किया? मतलब आप आए फर्स्ट ईयर में, तब आपने मतलब वो जो पूरा साल था वो कैसा गया आपका? क्या मतलब उसमें क्या क्या सीखा आपने? मैंने फर्स्ट ईयर में आके हम लोग को पाइथन था, फिजिक्स था जो कि दर्दनाक वाला चीज था, लाइक बहुत डिफिकल्ट था ठीक है, हाँ मैथ्स था जो कि अगेन लाइक
समझ नहीं आ रहा कि क्या से करना है, क्या करना है। देखो मुझे बस इतना करना था ना कि मुझे डिग्री चाहिए था, आई नीडेड अ बैचलर्स डिग्री। मैं इसी मोटिव से बीनेट आया था, ओके क्योंकि बीनेट जो है ना वो यूजीसी अप्रूव्ड है, राइट, और टाइम्स का है, तो और क्या बचा, मुझे बस डिग्री लेना था। ठीक है, यहाँ पे आया था मैं जस्ट डिग्री के लिए और कुछ नहीं। मेरा मोटिव ही था कि डिग्री लेके, मतलब आई नेवर रिलायड ऑन प्लेसमेंट, नेट प्लेसमेंट्स कभी रिलाई नहीं किया मैंने, राइट। मतलब मैंने मनी में बैठा लिया था कि मुझे किसी का हेल्प नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जो कोर्सेज पढ़ाया जा रहा है पढ़ूंगा, एग्जाम दूंगा, अच्छे नंबर लाना है क्योंकि स्कॉलरशिप चला जाएगी वरना। ठीक है, मैंने मेरा बस इतना एम था कि मुझे 8 के ऊपर रखना है। लाइक कुछ मेरे दोस्त है कुछ जो 9.5 9.6 सीजीपीए है उनका, ठीक है, टॉपर से पूरा, लाइक बैच के टॉपर से। मुझे कभी ऐसा लाइक फील ही नहीं हुआ कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे कभी लाइक मन से ही नहीं आया कि टॉपर बनना है, कभी मेरा मन ही नहीं था टॉपर बनना। ठीक है, मुझे अपने काम से काम रखना था, मुझे जो पसंद था मुझे वही करना था। ठीक है, राइट, तो तो इसलिए आपकी मैंने, आपकी जैसे मैं ये पूछूं, जैसे लाइक आपका फिर अभी टोटल आप कितने सीजीपीए पे आप वो अभी तो आप 4th ईयर में, तो ग्रेजुएट हो गए आप। मेरा भी सीजी में था कितना चल रहा है, मे भी 8.5 के आसपास चल रहा है, एट अच्छा, पॉइंट आपका भी फाइव के किसी आसपास चल भी रहा है। सेमेस्टर में 9 के ऊपर गया है? फर्स्ट सेमेस्टर था 9 के ऊपर, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर से बाद गिरने लगा। क्यों बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि बेनेट में होता है क्या, रिलेटिव ग्रेडिंग होता है। ठीक है, अब जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, लोग डिस्कॉर्ड पे बात करते करते एग्जाम देंगे, हजारों चीजें, बेसिकली फुल फुल ऑन चीटिंग होगा। तो उस चीज पे कौन सर्वाइव कर सकता है, अगर कोई बंदा पढ़ के जेन्युइनली एग्जाम दे रहा है और कोई मतलब चीटिंग कर रहा है, तो चीटिंग कर दोनों में रहा है। अंतर अंतर क्या रहता है। तो जो बच्चा जेन्युइनली पढ़ के एग्जाम दे रहा है उसको भी लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं जित मतलब वो तो बोलते हैं ना, भले का जमाना नहीं रहा, राइट, तो वैसा टाइप का सीन था। फिर फैकल्टी से भी लेके बहुत लोगों ने बात की कि जो बच्चे जेन्युइनली बैठ के पढ़ रहे हैं, घर में पढ़ के एग्जाम देना चाह रहे हैं, उनके ऊपर से ऊपर तो ये गलत हो रहा है ना कि जो बच्चे चीटिंग करके एग्जाम दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो लोग डिजर्व नहीं करते, दे आर गेटिंग सीजीपीए 10 9.8 9.9, उनसे ऐसे सीजीपीए मिल रहा है चीटिंग करके, साफ साफ चीटिंग करके मिल रहा है। और जो लोग पढ़ के दे रहे हैं उनको बस कितने, उनको कितने मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, राइट। तो मेरे अब मैंने अच्छे से पता था कि अगर मैंने चीटिंग करना शुरू कर दिया तो ना ये आदत लग जाएगी, और फिर जब बाद में जब ऑफलाइन एग्जाम होगा ना तो बहुत दिक्कत होगी मुझे। तो मैंने लाइक कभी ये ग्रुप नहीं बनाया, कभी लाइक ग्रुप में आके पूछ रहे, लाइक 4th ईयर में किसी भी पूछोगे ना, मेरा कोई भी ग्रुप नहीं था चीटिंग करने वाला, लाइक मैं हमेशा से कुछ पढ़ता था कुछ देता था, कभी मैंने वो चीटिंग चीज नहीं किया। लाइक नोबडी कैन क्लेम टूडे कि भाई तू तो हमारे ग्रुप में था, तू हमारे ग्रुप में रहकर चीटिंग करता था, कोई नहीं बोल पाएगा क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं ऐसा काम। मैं इसलिए मैं सीजीपी नीचे अलग है ना, बात इतनी है, सीजीपी गिरते 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 अभी 8.5 के नीचे जा चुका है मैं, प्रोबेबली मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, बट 8 के ऊपर तो है क्योंकि स्कॉलरशिप चल रहा है, तो 8 के ऊपर तो है मेरा। तो आपके हिसाब से जैसे मैं बहुत अभी तो मेरे दिमाग में बहुत क्वेश्चन आ रहे, क्योंकि इतने जूनियर्स के मैसेज आते रहते हैं, तो एक साथ मतलब एक मैं पढ़ तो लेता हूँ, मैं भले ही शायद कुछ को रिप्लाई नहीं कर पाता, बट मैं मैसेजेस पढ़ सबके लेता हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन जब मैंने स्टोरी पर डाला था कि अनिरुद्ध भैया के साथ मैं करने वाला हूँ, तो उन बहुत लोगों ने क्वेश्चन बोले थे कि ये भी पूछना है, ये भी पूछना है प्लीज, तो वो मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं एक करके। तो उससे हाँ पहले तो मैं पूछो एक पूछो। चीज एक चीज एक मेन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। जैसे बच्चे बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है, और अभी मैं ये मतलब अपने बेसिस पे मतलब मेरा भी एक ही क्वेश्चन आप मान लो कि लाइक बेनेट के अंदर में, मैं स्पेसिफिकली बेनेट की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर सीजीपीए का क्या रोल है? मतलब अगर किसी बच्चे की 8 से ऊपर सीजीपीए है और किसी बच्चे की 9.5 से ऊपर सीजीपीए है या 10 सीजीपीए है, तो क्या कोई अंतर है और क्या मेन रोल रहता है मतलब सीजीपीए का? क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या मतलब, वो सब मैं एक बार ओके आपसे पूछना चाहता हूँ। ओके 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 एक बात बताओ, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं हम लोग, लाइक व्हाई आर वी डूइंग बैचलर्स, व्हाई आर वी अपनी स्टडीइंग, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं हम स्किल लोग, बढ़ाने के लिए, स्किल बढ़ाने के लिए, स्किल बस स्किल क्यों बढ़ाना है, स्किल मतलब तभी तो हम किसी कंपनी में सर्वाइव कर पाएंगे ना, क्योंकि हमारे पास स्किल होगी तभी तो कंपनी वो में सर्वे क्यों कंपनी करना है। पैसों के लिए। एग्जैक्टली, सो ये जो हम लोग इतना नाटक चल रहे हैं यहाँ पे, अल्टीमेट क्या है, पैसे के लिए, एक अच्छी कंपनी में जाके अच्छा सैलरी लेना, क्यों सैलरी लेना है, सो दैट यू कैन सर्वाइव, के सपोर्ट योर फैमिली, अल्टीमेट ये गोल तो यही था। पढ़ाई क्यों कर रहे हैं कि सोसाइटी में बचना है अल्टीमेटली, राइट। एक अल्टीमेट बात यस बताना, मैं सच बताता हूँ ना, सीजीपीए डजेंट मैटर,
ठीक है, सीजीपीए मैटर नहीं करता, ठीक है, बट हाँ एक चीज है, ट्राई टू कीप इट अबव 8। क्यों? क्योंकि कुछ कंपनी जैसे सिस्को हो गया ना, उनका क्या पॉलिसी है ना कि 8 के नीचे कैंडिडेट्स इंटरव्यू में बैठ नहीं सकते, लाइक दे आर डिबार्ड फ्रॉम द इंटरव्यू, ऐसे पंगा रहता है, राइट। तो मैं ये बोलूंगा कि टॉपर बन के कोई फायदा नहीं है, टॉपर बन के मैक्स में तुमको एक कुछ क्या बोलते हो, दीपक सर से अवार्ड मिल जाएगा तुम्हें कि टॉपर ऑफ द बैच है, देखा है ना मैंने, मैंने देखा है कि इस नाम डालते हैं टॉपर ऑफ बैच 2023 2022, देखा है मैंने, ये नाम नाम आता है, फिर कुछ मिलता है उनको, लाइक सर्टिफिकेट मिलता है, कुछ मिलता है, मैं देखा है लाइक इंस्टाग्राम पे, उतना ही हो सकता है अगर तुम टॉपर हो या 9.5 से ऊपर लगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, साफ साफ बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम अगर 9 point, बेसिकली द थिंग इज 10 CGPA, 9.5 CGPA और 8.1 के अंदर कोई अंतर नहीं है, ठीक है, अच्छा कोई हाँ अंतर मैंने नहीं पूछा है, था। हाँ कोई अंतर नहीं है। 8 के ऊपर में किसी रखने पर, दो दो पर्पज है, क्यों मेरिट के अंदर 8 के ऊपर क्यों रखना है, एक तो दो रीजन है स्कॉलरशिप उसका, मिलती है। हाँ एक स्कॉलरशिप, एक स्कॉलरशिप नहीं रखेगा तो स्कॉलरशिप चली जाएगी, स्कॉलरशिप पहला। दूसरा चीज, 8 के नीचे चली जाएगी अगर अगर जी सी जी पी ए तो कुछ कंपनी में आप बैठ नहीं पाओगे, दैट्स द प्रॉब्लम, राइट। यूनिवर्सिटी में जो कर रहे हो ना, तुमको इस पूरे चीज से दो चीजें लेनी है, एक तुम्हारा डिग्री, एक तुम्हारा सीजीपीए, इसके अलावा कोई भी चीज मैटर नहीं करेगा यूनिवर्सिटी से, जो तुम जो भी कर रहे हो, ठीक है, हाँ ओके। और जो मैटर क्या करेगी फिर, व्हाट विल मैटर, मैटर करेगा स्किल्स, राइट। देखो मैं बताता हूँ, सीएन में मुझे मिला है, राइट, फेसबुक में, हाँ कैन यू लाइक बता सकते हो कि मुझे कितना, हम लोग को अभी तुम थर्ड ईयर में, तो पता होगा कि कंपनी नेटवर्क्स का एक मॉड्यूल होता है, राइट, हाँ थर्ड ईयर होता है। में, हाँ 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 तो थर्ड थर्ड ईयर में नहीं, और सेकेंड ईयर के सेकेंड ईयर में होता लास्ट है, फोर्थ सेमेस्टर में ओके होता है। ओके फोर्थ हाँ सेमेस्टर में, ओके ओके। उस समय तो मेरा ग्रेड कितना था, आपका ग्रेड हाँ कैन यू आई गेस, आई थिंक ए प्लस ही होगा। हाँ ए प्लस ही होगा, मेरा ग्रेड था सी, सी एन में भी सीएम में मेरा ग्रेड सी था, पता है क्यों, क्यों? इसलिए था क्योंकि तुझे पढ़ा जा रहा है ना यहाँ पे, वो हाँ आज से 20 साल पहले ऑब्सोलीट हो चुका है, साफ से बता रहा हूँ, जो अच्छा कराया हाँ जाता है ना स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल वगैरह वगैरह जो भी कराया जाता है ना ये यहाँ काम पे, नहीं आते। राइट, वेट एंड सेंड ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स है ना हाँ यहाँ पे, ये कराते। हाँ हाँ ये याद है मेरे को। ये है ना, ये था ना, हाँ था ये था 2000, ये 2000 में ही ऑब्सोलीट हो चुका था, ऑब्सोलीट मतलब नो बडी यूजेस दैट, नो बडी नोज अबाउट दैट, और कहीं काम में नहीं लगने वाला, ठीक है, बात इतनी है। ऐसा नहीं बोला कि पूरा कोर्स ही बेकार है, कुछ चीजें जैसे आईपी सबमिटिंग हो गया, वो चीजें दे आर वेरी गुड, दे आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट 70% सॉरी 80% चीजें जो पढ़ाया गया था ना सीएन में, मैं पहली बार सुन रहा था वो चीजें, राइट। मैं सीसीआई करके आ रहा हूँ, सीसीआई सुना होगा, सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेट वर्क एक्सपर्ट, मैं सीसीआई करके आ रहा हूँ, एंड आई डोंट इवन नो कि चीजें होती क्या है, इतना पुराना है, राइट। सिस्को अच्छा ने बोल दिया साफ साफ कि ये चीजें अब ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, ये चीजें एग्जाम में भी पूछी नहीं जाएगी और ये चीजें कभी भी इम्प्लीमेंट भी नहीं होगी, ठीक है, वो चीजें जो 20 साल पुराने हैं वो चीज अभी करा जा रहा है, ठीक है। और पता है प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम इसके इसमें ये है कि जो फैकल्टीज थे ना, उन्होंने वो चीज पढ़ा था आज से 20 साल पहले, तो अभी भी वो लोग वही पढ़ा रहे हैं, ओके। बीटेक का ना जो इंजीनियरिंग होता है, इंजीनियरिंग का कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं होता, तो अगर मैंने इंजीनियरिंग कर लिया, बीटेक कर लिया, तो जब मैं 80 का हो जाऊंगा, 80 ईयर्स का हो जाऊंगा, तब भी आई एम इंजीनियर, बीटेक इंजीनियर, बट जो अभी चीज अभी पढ़ रहे हैं ना हम लोग, वो कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो तब तक ऑप्शन हो चुका होगा, बल्कि इतने नया चीजें आ चुकी होंगी कि मैं स्टैंड नहीं करूंगा वहां पे, इसलिए जितने सर्टिफिकेशन है ना दे एक्सपायर इन 3 ईयर्स और 2 ईयर्स, इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी आती अच्छा रहेगी, तुम अगर रुक गए ना वहां पे तो तुम पुराने चीजें सीख के रह गए, नए चीजें कभी नहीं सीख पाओगे, और क्या फायदा अगर तुम नए चीजों को नहीं पता कि कंपनीज में कैसी चीजें चल रही है, यही फर्क है प्रोफेसर और इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, प्रोफेसर दे आर टीचिंग व्हाट दे हैव लर्न 20 ईयर्स पहले, ठीक है, बट इंडस्ट्री में क्या है, इंडस्ट्री में वो लोग काम कर रहे हैं जो, एंड दे हैव टू कोप अप विद एवरीथिंग, लाइक उनको सब कुछ सीखना पड़ेगा, कंपनी में कोई नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, कोई नया लैंग्वेज आ रहा है, कोई नया प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट हो रहा है, उसको सीखना पड़ेगा अगर कंपनी में रहना है तो, हाँ सर्वाइव राइट, करना तो सीखना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली। और इसमें एक और चीज है, जो गेट होता है ना, गेट एग्जाम, तो गेट एग्जाम सुना हाँ होगा, हाँ गेट एग्जाम हाँ होता है ना, उसमें भी
दे आस्क ऑल दोस ओल्ड थिंग्स लाइक पुराने पुराने चीजें सिखाया जाते हैं राइट। अगर तुम गेट के एग्जाम देने जाओगे ना उसमें भी तुमको वही पूछेगा कि गो बैक इन वेट एंड सेंड, वो सब चीजें जो चीज कराया गया था जो कंप्लीट हो चुका है वो पूछे चीज पूछा जाएगा। तो क्या करेगा, सिस्टम में प्रॉब्लम है, सिस्टम ही से प्रॉब्लम है यहाँ पे। जो मतलब अगर सिस्टम बोलेगा कि यू हैव टू रिन्यू योर क्रेडेंशियल या फिर यू हैव टू रिन्यू योर नॉलेज एवरी 3 इयर्स, तो इंडियन आज कहीं और होता, यहाँ पे पढ़ा नहीं होता। ठीक है, एक बार तुम चला जाओ हार्वर्ड स्टैनफोर्ड चला जाओ ऑक्सफोर्ड चले जाओ ना, वहां पे जो उनका जो करिकुलम है ना, उनका जो सिलेबस है ना, वो बहुत ही नया है। लाइक दे आर डूइंग रिसर्च, क्योंकि वो नया चीज का काम कर रहे हैं। एंड व्हाट आर वी डूइंग, जो चीजें पुरानी थी उसको रटे जा रहे रटे जा रहे, उसको एग्जाम दे रहे, पास आउट हो रहे और खुश हो रहे कि लाइफ में कुछ कर लिया हमने। ऐसे नहीं होती है। सही बात है। ठीक है, मैं फेसबुक बता रहा हूँ, फेसबुक में जब गया ना, दे डिडेंट इवन दे डिडेंट नॉट बॉर्डर अबाउट आस्किंग मी मैं कौन सी यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं सीजीपीए क्या है, घंटा फर्क नहीं पड़ता उन्हें। उनको इतना पता है, लाइक उनको इतना पता है, उनको इतना जानकारी चाहिए मैं कौन से डिग्री में इनरोल्ड हूँ, कब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा मेरा, और मेरा स्किल्स क्या है। स्किल्स क्या है वो अलग ही पार्ट है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर आएगा ही नहीं। स्किल्स जो है मैंने अपने आप से ग्रो किया है, अपना इन्वेस्ट, अपना टाइम देके, अपना एफर्ट डाल के मैंने इसको इन्वेस्ट उसमें इन्वेस्ट किया मैंने। ओके अच्छा। ठीक है, ग्रेजुएशन होना होना चाहिए। ग्रेजुएशन के लिए क्यों 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 बोल रहे हैं वो लोग, क्योंकि ग्रेजुएशन होना मतलब कि ओके इसने एक लेवल तक क्रॉस कर चुका है, लाइक इसके बाद सीएससी का एक डिग्री है, और कुछ प्रूफ नहीं करता इसके अलावा। ठीक है, एक बात बताओ, हम लोग डेटाबेस में क्या पढ़ते हैं, आरडीएस पढ़ते हैं, रिलेशनल डेटाबेस पढ़ते हैं, एसक्यूएल पढ़ते हैं, राइट राइट ठीक है ना। बट कहीं पे भी तो दो डे कहीं पे भी मोंगोडीबी नहीं पढ़ा जाता, कहीं पे भी नहीं। ओके, इनफैक्ट जो मॉडर्न वाले जो मॉडर्न एप्लीकेशन बन रहे हैं ना, जितने भी लाइक क्या होते हैं मार्स स्टैक, एमएवीएन स्टैक, ये यूज हो रहा है राइट, मीन स्टैक मार्स स्टैक ये चीज यूज हो रही है ना, उसमें क्या आता है मोंगोडीबी, मोंगोडीबी भी होता है वहां पे। ये चीजें पढ़ाई नहीं जा रहा है। और फिर जब प्लेसमेंट आती है, कंपनीज वांट व्हाट, कंपनीज वांट रिएक्ट, रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, नोड जेस, नेक्स्ट जेस, नेक्स्ट जेस, जो चीज यूनिवर्सिटी डिग्री में है ही नहीं, कभी नहीं किया हमने, वो हाँ चीजें पढ़ाई वही, जा रही है। ये तो इनफैक्ट मेरा मैंने भी कंसर्न। हाँ हाँ बोलिए इनफैक्ट मैंने बोलिए। इलेक्टिव लिया था वेब टेक्नोलॉजीज का, पता है क्या पढ़ाया गया हाँ उसमें, पीएचपी, क्या पीएचपी, पीएचपी इज डेड। पीएचपी यूज होता है, मैं मानता हूँ कहीं बहुत ज्यादा यूज होता है अभी, बट जो जितने में नया स्टार्टअप आ रहे हैं, नया नई चीजें इंप्लीमेंट हो रही है, यहाँ पे भी सब के सब दे आर यूजिंग रिएक्ट और फ्लटर, जो नए नए फ्रेमवर्क आ रहे हैं वो ही लोग यूज कर रहे हैं, वो पढ़ाए नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। इसी तो प्रॉब्लम है। एक बारी को अगर नई चीजें पढ़ाने पढ़ाया जाएगा ना कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी में, तो स्टूडेंट्स अपने आप अच्छी जगह पे स्कोर करेंगे। ठीक है, और बच्चों सबको ये लगता है कि डीएसए कर लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। डीएसए क्यों कर रहे हो, पर ये समझो कि जीएसए कर क्यों रहे हो तुम। डीएसए से तुमको कोडिंग नहीं, कोडिंग स्किल्स नहीं दिखाया जाता डीएसए से। ठीक है, डीएसए इज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, डीएसए इज ओनली फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि अगर कोई प्रॉब्लम दिया जाए आपको, हाउ विल यू सॉल्व दैट यूजिंग सम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, कैसे सॉल्व करोगे इस प्रॉब्लम को। ठीक है, देखो डिजाइन करना इज मोर डिफिकल्ट देन इम्प्लीमेंटेशन। अगर तुम डिजाइन कर दिया, बता दिया कि इसको ऐसे करना है ऐसे करना है ऐसे करना है, कोई भी आके इम्प्लीमेंट कर देगा, कोई भी आके कोड करके करके दे देगा राइट। ओके, कोड कोई भी कर सकता है, अगर तुमको आइडिया दे दो उसको, बट आइडिया निकालना, डिजाइन करना उस चीज को, उसको ऑप्टिमाइज करना, दैट्स द मेन स्किल राइट। वो स्किल मेन है। डीएसए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट बाकी चीजें भी है। ओएस हो गया, डीबीएमएस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया। लोग क्या करते हैं, ये सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं और फिर सिर्फ डीएसए करते हैं। इससे ये होता है कि कंपनीज में जब इंटरव्यू होती है ना, तो वो कोडिंग तो पूछते ही है, और साथ साथ दे आल्सो आस्क डेटाबेस या फिर ओएस। एंड मेजोरिटी में क्या होता है कि लोग डीएसए क्लियर कर देते हैं, बट जब ओएस में आता है, डेटाबेस में आता है, तब लोग अटक जाते हैं, नहीं कर पाते। ठीक है, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आप ओएस कैसे काम करते नहीं समझोगे, अगर हार्डवेयर नहीं समझोगे कैसे सीपीयू काम करते, कैसे रैम काम करता है, कैसे लो लेवल रिटर्न काम करता है, हाउ विल यू राइट योर लो लेवल थिंग्स, कैसे तुम चीजों को लिखोगे। लाइक अगर तुम एक मान लो ओएस बना रहे हो अपने, लाइक खुद से एक ओएस कंडल डिजाइन कर रहे हो मान लो, तो
तो उसके लिए लो लेवल होना चाहिए, लो लेवल नॉलेज होना चाहिए, राइट? वो चीज कोई नहीं करता, एवरीबडी इज बिजी डूइंग एसडी। एसडी के अलावा भी चीजें होती है। एसडी इज नॉट द एंड ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस ए ह्यूज फील्ड, ब्लॉकचेन है, एआईएमएल है, डेटाबेस है, हजारों चीजें, अगर मैं लिस्ट शुरू करूंगा खत्म नहीं होगा, इतने स्कोप्स है अभी। बट इंडिया में पता है क्या है, इंडिया इज लैंड ऑफ इंजीनियर्स, और यहाँ पे लोग सॉफ्टवेयर ही कर रहे हैं, हर कोई सॉफ्टवेयर ही कर रहा है। क्यों पता सॉफ्टवेयर कर रहा है, क्योंकि हर कोई वही कर रहा है, मतलब होता है ना क्लाउड, क्लाउड इज गोइंग टू अ सॉफ्टवेयर, उसको एसडी चाहिए, हर कोई एसडी कर रहा है। और इसीलिए इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है, इतना ज्यादा ओवर पॉपुलेट हो चुका है ये फील्ड, कि जॉब मिलना मुश्किल हो चुका है, उतना चाहिए नहीं कंपनीज को, तब भी उतना उतना सप्लाई है, डिमांड उतना है नहीं, डिमांड कम है, सप्लाई बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, कहाँ से होगा, कहाँ से जॉब मिलेगा? तो अल्टीमेटली क्या होगा, फिर टीएससी विप्रो आएगा, मास रिक्रूटिंग करेगा, और क्या बचता है फिर? हाँ तो ये फैक्ट है, अगर सब, तुम सबको बता रहा हूँ, तुम लोग बेनेट आए हो, ठीक है, कोई गलत, कोई भी गलत, मतलब ये गलत नहीं किया तुमने, ठीक है, लाइफ में अगर सोचोगे कि लाइफ में गलत डिसीजन ले लिया, एक गलत डिसीजन नहीं है, एकदम सही डिसीजन है। मैं इनफैक्ट ये भी बोलूंगा, अगर तुम कोई और यूनिवर्सिटी चूज कर किया होता तब भी वो उतने करेक्ट होता। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी, आप कहाँ, कौन सी कंपनी में जाओगे, यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं करेगी। आप गूगल में जाओगे कि फेसबुक में जाओगे कि अमेजोन में जाओगे, यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं करेगी। या आप डिसाइड करो कि आपका हार्ट सिर्फ डिसाइड करेगा कि आप कहाँ जाओगे, ये बात है। तो वही है कि अगर कल को आपको अच्छी जॉब नहीं मिलती है, डोंट ब्लेम योर पेरेंट्स, डोंट ब्लेम द यूनिवर्सिटी, एंड डोंट ब्लेम द प्रोफेसर हु आर वर्किंग हियर, डोंट। मैं एक बात बोलना भूल गया कि फर्स्ट सेमेस्टर में ना हम लोग, मुझे बहुत अच्छे प्रोफेसर मिले थे, विपुल सर हो गए, अनुराग सर हो गए, दिस प्रोफेसर लाइक, ये दिस फैकल्टी इज रियली गुड, मैंने उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, ठीक है, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग पाइथन था, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, और दोज आर रियली वैल्यूएबल, ठीक है, हाँ वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसा नहीं कि मिनट का कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो है इसमें, भले ही ऑफ कैंपस है, बट कुछ चीजें ना मैं यहाँ से सीखा जो मैं मुझे कहीं और नहीं सीख पाता था। सॉफ्ट स्किल्स हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, बात कैसे करना है, ये सब चीजें भी उतना इक्वली इंपॉर्टेंट है। कैसे कम्युनिकेट करना होता है फैकल्टी से, मैंने लाइक कैसे, हाउ, व्हाट मेक्स एन इंजीनियर, इंजीनियर कैसे सोचता है, ये चीजें मैंने यहाँ से सीखा, काफी सीखा मैंने यहाँ से, ठीक है, आई एम इंडस्ट्री के थैंकफुल। बारे में भी काफी अनुराग सर ने बहुत बताया था कि मतलब इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, क्या नहीं होता। एग्जैक्टली, तो वही है कि यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो, इंडस्ट्री लोगों से कनेक्ट करो कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। मेरा एक दोस्त ने बताया था, मेरा उस दोस्त का नाम आदित्य है, मैं नाम बोल रहा हूँ, आदित्य कुमार हाँ बोल दो गुप्ता, बोल दो। हाँ। आदित्य कुमार गुप्ता उसका नाम था, ठीक है, उसने मुझे एक दिन बताया था, वो अगर ये बात सुनेगा तो वो खुश होगा, ठीक है, फिर से नाम बोल रहा हूँ, आदित्य कुमार गुप्ता, ठीक है, सुन उसने ही मुझे रहा होगा, एक मोस्ट प्रॉबली सुन ही उस रहा होगा। उसने मुझे एक चीज बताया था कि लिंक्डइन पे जाओ, कनेक्शन बनाओ। वो बंदा ना बहुत सही बोल गया ये चीज, ठीक है, क्योंकि आप बना रहे हो, आप एक रूम में बैठे हो, यू आर डूइंग ग्रेट इन्वेंशंस, कोई फायदा नहीं जाता उसको रूम के बाहर नहीं लेकर जाओगे, जो भी आप कर रहे हो उसको बाहर दिखाना जरूरी है, तभी तो यू विल गेट रिकॉग्निशन, ठीक है, राइट? ये एक बात है। उसने मुझे बताया कि लिंक्डइन पे जाओ, अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अलग अलग लोगों को ढूंढो अपने डोमेन में, क्लाउड में, उनसे कनेक्ट करो, ठीक है, कनेक्ट कनेक्शन बढ़ाते जाओ, लोगों से बात करो, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करो, उसने मुझे ये चीज बताया था। और इनफैक्ट उसने बहुत ही सही चीज बोली थी मुझे, लाइक काफी सही था ये चीज, ठीक है, और उसके बाद से मैं ये करता रहा हूँ, लाइक आई वाज ऑलवेज कनेक्टेड विद पीपल ऑन लिंक्डइन, ठीक है। तो सबको एक चीज बता रहा हूँ कि लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे जाके लिंक्डइन प्रोफाइल को मेंटेन करो, अच्छे से उसको बनाओ, जो भी चीजें कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, पब्लिश दैट, ठीक है। अगर मान लो यू आर डूइंग समथिंग ऑन ब्लॉकचेन फॉर एग्जांपल, और क्या काम कर रहे हो ब्लॉकचेन के ऊपर, तुमने वो चीज जाके डाल दिया लिंक्डइन पे, तो जो भी रिक्रूटर्स है, जो भी लाइक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दे विल गेट टू सी योर वर्क, अगर उनको रिक्वायरमेंट हुआ उस वर्क में, देन दे विल कॉन्टेक्ट यू एंड यू विल गेट हायर, राइट? क्योंकि तुम उस काम, उस चीज में काम कर रहे हो, तो इसलिए लिंक्डइन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म। उसमें मैं तो ये बोलूंगा, इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम, स्क्रोल लिंक्डइन, ठीक है, कंटेंट बहुत अच्छी है लिंक्डइन की, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम लिंक्डइन, ठीक है, इक्वल कनेक्शन बनाओ, बात करो लोगों से, नेटवर्किंग करो, नेटवर्किंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों से बात करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ, अभी भी काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, उससे बात नहीं करने थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ, बट आई एम वर्किंग ऑन इट,
आई एम इम्प्रूविंग डेली, लोगों से जाके बात करना, समझना, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड चीज़ अपने रेज्यूमे, अपना रेज्यूमे, अपना लिंक्डइन, इसको एकदम टिप टॉप रखना, एकदम बढ़िया रखना है, ठीक है। और रेज्यूमे जितना हो सके छोटा रखो, जितना हो सके, छोटा ना, एक एक पेज, पेज एक पेज, एक पेज। हाँ क्यों 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 बोल रहा हूँ, सोच के देखो कि जब तुम अप्लाई करो ना किसी कंपनी में, यू आर गेटिंग द कंपनीज आर गेटिंग थाउजेंड ऑफ रिव्यूज पर सेकेंड, ठीक है। तो जो एचआर है, जब वो उसको खोलेगा ना रिज्यूमे को, वो देखेगा कि 2 पेज का रिज्यूमे, उसको वो बोर हो जाएगा, सोचेगा कि कितना बड़ा लिखा है, गोली पर मैंने देख रहा, ठीक है ठीक है। तो यू हैव लाइक एंड ऐसे मान लो कि यू हैव 7 सेकेंड्स टू ग्रैब द अटेंशन, ऐसे मान लो तुम्हारे पास 60 सेकेंड है अपने रिज्यूमे को यूज करके उनका अटेंशन ग्रैब करना। कैसे करोगे, दैट योर रिज्यूमे डिसाइड, रिज्यूमे ऐसा बनाओ सो दैट छोटा होगा, मतलब ऐसा नहीं कांटेड ही बनाना, ऐसा कुछ एक साथ घिस दे एकदम, वैसा नहीं करना, ठीक है। साफ सुथरा टाइट होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि साफ दिखेगा, अगर वो चीज साफ दिखेगा तो ऑब्वियसली कोई पढ़ना चाहेगा, पढ़ेगा तो नाउ नाउ यू गॉट द अटेंशन, राइट। तो ये बात और है, एक चीज और पूछनी है, जैसे तो ये तो मेरे को पर्सनली पूछनी है कि रेज्यूमे में कितने प्रोजेक्ट्स, मतलब अपना जैसे एक प्रोजेक्ट बेस्ट वाला रखते हैं या फिर लाइक मतलब कितना होना चाहिए, ये पूछ रहा हूं मैं। देखो तुम लाइफ में बहुत प्रोजेक्ट करोगे, राइट, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करोगे, सो लिस्ट देम अकॉर्डिंग टू हाउ सुपीरियर दे आर, ओके। मान लो तुमने कोई प्रोजेक्ट किया जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, लाइक इनोवेटिव टाइप का था, दैट शुड बी द फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक हाँ है। अच्छा ठीक है। थिंक अबाउट प्रायोरिटी क्यू, थिंक अबाउट प्रायोरिटी क्यू, जो सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट है ऊपर रहेगी, उससे कम नीचे रहेगी, ऐसे ऐसे करके यू हैव टू लिस्ट। ऐसा जरूरी नहीं कि सारे लिस्ट कर दिया, 9-10 प्रोजेक्ट के सारे लिस्ट कर दिया, वो भी नहीं करना, तब तो रिज्यूमे ऑब्वियसली एक पेज के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। लिस्ट योर बेस्ट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तुम लगता है कि ओके जिस जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसके लिए ये प्रोजेक्ट होना जरूरी है, ये प्रोजेक्ट सच में कोई काम में अच्छा तो आएगा। मतलब जॉब टू जॉब भी हमें रिज्यूमे चेंज करना पड़ता, अपडेट करना पड़ता है। मैं करता हूँ ऐसा, अगर मैं ऐसा करता हूँ, जब मैंने लाइक आई डू दैट कि बेस्ड ऑन, क्योंकि ऑब्वियसली, क्योंकि देखो मुझे प्रोग्रामिंग आता है थोड़ा बहुत, मुझे आता है क्लाउड थोड़ा बहुत, मुझे आता है नेटवर्किंग, ठीक है। तो अगर मैं नेटवर्किंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मैं सॉफ्टवेयर स्किल्स लिस्ट कर दूँ तो क्या फायदा, वो बोलेगा कि सॉफ्टवेयर आता है, नेटवर्किंग आता ही नहीं है, इसको क्यों लूँ मैं, इसको साफ साफ रिजेक्ट कर देगा, राइट। ऑन द अदर हैंड, इफ आई मॉडिफाई इट अ लिटिल बिट कि मैं नेटवर्किंग स्किल्स ऊपर मैं प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, एंड देन सेम दैट, उससे क्या होगा, ओके हाँ इसको नेटवर्किंग आता है, इसको ये चीजें कर रखा है, तो मे बी वी कैन गिव हिम अ चांस, ये चीज हो जाता है एक, ठीक है। अच्छा हाँ। और एक और चीज़ जैसे मुझे पूछनी थी कि अगर मान लो कोई बंदा सिर्फ अपनी डीएसए पे काम कर रहा है, मतलब उसकी डीएसए डिसेंट है, ठीक है, ओके लाइक यूनिवर्सिटी में तो बहुत ही बढ़िया है यूनिवर्सिटी में, पर मैं यूनिवर्सिटी ऐसे कंपेयर नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि उसकी डीएसए डिसेंट है, पर उसको और कोई स्किल नहीं आती, लाइक उसको वेब डेवलपमेंट नहीं आती, और भी और जो छोटी छोटी जैसे क्लाउड नहीं आता या फिर नेटवर्किंग नहीं आती, बट बस डीएसए आती है, तो उस मतलब वो सिर्फ डीएसए, और ऑब्वियसली जो बाकी मतलब इतना ओएस सीएन आता है कि वो इंटरव्यू क्लियर कर ले, मतलब इतना हाँ तो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई देते हैं कि हाँ जिससे हाँ इंटरव्यू क्लियर हो हाँ जाए, एग्जैक्टली, तो बस ये सारी चीजें आती है, और डीएसए उसको डिसेंट आता है, तो क्या उसको जॉब ऐसे मिल सकती है मतलब सिर्फ डीएसए करके? देखो हाँ फिर बोल रहा हूँ वही मुंह पे आ गए हम लोग, कि डीएसए तुमको इतना अच्छे से करना है सो दैट, देखो थिंक अबाउट, तुम 100 लोग, 100 स्टूडेंट्स हैं, और इधर हमारे पास गूगल है जिसको 5 एम्प्लॉयज चाहिए, तो गूगल विल हायर द बेस्ट, राइट। तुमको उस बेस्ट 5 में आना है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। सो जो तुम बोल रहे हो ना डिसेंट, डिसेंट जो टर्म बोल रहे हो ना, दिस इज रिलेटिव नाउ, तुम किसके लेवल पे डिसेंट बोल रहे हो। इफ यू कंपेयर टू एन एचडी टू जो गूगल में काम कर रहा है, उसके लेवल पे तुम डिसेंट कितना तुम बोलना चाह रहे हो वो डिपेंड करता है, लाइक तुम कॉम्पेयर किसके साथ कर रहे हो अपने आप। सो इफ आई नो, इफ आई से आई नो डिसेंट डीएसए, ठीक है, देन आई नीड टू कंपेयर विद समबडी, लाइक इफ आई कंपेयर, हाँ, ओके, तो यू कैन, यस यू कैन
गो इन टू गूगल और फेसबुक और समथिंग लाइक दैट, हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर तुमसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, अगर तुम सोच पा रहे हो लॉजिकली, अगर तुमको ऑप्टिमाइज कर पा रहे हो, तो क्यों जॉब नहीं मिलेगा? सिर्फ डीएसए करके और कोई, जैसे वेब टी मैंने सुना अभी, क्योंकि जैसे जैसे अभी आपसे पिछले पॉडकास्ट में राघव भैया आए थे, आपके फ्रेंड थे, उनने बताया था, तो जैसे उनसे भी पूछा था, तो उनने बोला था कि वेब डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इनफैक्ट एक जेडीबी मेरे को दी थी जिसमें वेब डेवलपमेंट की वो थी, और मेल्स भी आते हैं हमें कॉलेज से, कि मतलब जैसे एक दो आए थे मेरे ख्याल से इंटर्नशिप के लिए, उसमें भी इन लोगों को मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन में यही लिखा होता है कि मतलब हमें फुल स्टैक चाहिए या फिर फ्रंट एंड चाहिए, बैक एंड चाहिए। तो मैं मतलब जॉब ओपनिंग्स ही इनके लिए होती है, डेवलपमेंट टाइप के लिए। तो मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे अगर ओके कंपनी ओके ओके, आई आएंगे। गेट यू। बताता हूँ मैं, बताता हूँ दोनों। मैं ना यहाँ पे दो सीनरी बताऊंगा, ठीक है? थिंक अबाउट अ कंपनी लाइक जो फैंग नहीं है, जो फॉर्च्यून 500 में नहीं आता, जिसका कस्टमर बेस इज लिमिटेड। ओके, फॉर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इट्स, मैं ऐसे कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। मान लो अगर कोई भी, आपको लेना है तो ले कोई लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कंपनी पकड़ लो, ठीक है? फैंग नहीं, लाइक फैंग से बहुत अच्छा दूर, अच्छा ठीक है ठीक ठीक है है? ठीक है ठीक है। एक बात बताओ, उनका सर्विस और प्रोडक्ट दे रहे हैं, मतलब वेबसाइट है, जो भी ऐप, जो भी दे रहे हैं, उनका कस्टमर्स कितने होंगे? कस्टमर्स कितना होगा? अगर फैन नहीं है और थोड़ी नीचे की कंपनी, तो लिमिटेड कस्टमर्स ही होंगे। लिमिटेड होंगे, राइट? एम्प्लॉयर लिमिटेड होगा। ओके, दूसरा चीज जो होगा, सिर्फ लिमिटेड होगा, तो इसका मतलब क्या? रेवेन्यू भी कम जनरेट, रेवेन्यू भी कम जनरेट हो रहा होगा, होगा ना? राइट? जब जब ऐसा सिनेरियो होता है, तब वेब डी जाना जरूरी है। जब वेब डी कर लिया, नाउ यू कैन बिल्ड आवर प्रोडक्ट, यू कैन बिल्ड फ्रंट एंड बैक एंड, कर लिया, हो गया काम, ठीक है, अच्छा। हो गया। बट वाई टू दिस फैन कंपनीज गिव मोर इंपॉर्टेंस ऑन डीएसए? क्यों देते हैं, क्यों देते हैं? ओके, उनको वेब डी नहीं चाहिए क्या? अमेजोन का वेबसाइट है, फेसबुक का वेबसाइट है। देखो, वेब डी समथिंग जिसमें यू डोंट नीड मच ऑफ अ लॉजिक, ठीक है? अगर मैं बोलू कि मुझे यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में मुझे इसका कलर रेड करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? सीएसएस में जाके जाके लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर कोलन व्हाइट, या फिर रेड को भी कलर कर दूंगा। दिमाग लग रहा है क्या उसमें? दिमाग नहीं लग रहा ना नहीं उसमें, नहीं 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 लग रहा ना? बट नाउ थिंक अबाउट फैंग, गूगल, जिसका जिसमें लाइक ट्रिलियंस ऑफ कस्टमर्स है। गूगल की बात करूं अगर, जैसे बिलियंस ऑफ कस्टमर्स ओवर देयर, सो इवन अ 100 मिलीसेकेंड डिले इन द रिस्पॉन्स कैन कॉस्ट देम बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अमेजोन का हुआ था 2014 में, ऐसा कुछ हुआ था कि उनका वेबसाइट, फॉर एवरी 100 मिलीसेकेंड डिले, फॉर एवरी 100 मिलीसेकेंड डिले इन द लोड ऑफ द वेबसाइट, दे वर लूजिंग अराउंड सम बिलियंस ऑफ डॉलर्स, 100 मिलीसेकेंड के लिए, 100 मिलीसेकेंड, समझ रहे हो? हाँ लाइक 100 मिलीसेकेंड अगर डिले हुआ, आई एम लूजिंग 1% ऑफ माई कस्टमर, ऐसा हो रहा था। तो जब ऐसे पे बात आ जाती है, कस्टमर बेस ज्यादा है, स्पीड ज्यादा होना जरूरी है, ठीक है? रेवेन्यू इतना लाइक बिलियंस बिलियंस ऑफ में रेवेन्यू जा रहा है, इतना लाइक करोड़ों डॉलर्स का टर्नओवर है, तब यू नीड टू मेक श्योर दैट योर प्रोडक्ट इज ऑलवेज अप एंड रनिंग, द प्रोडक्ट इज सिक्योर, द प्रोडक्ट इज फास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑप्टिमाइज होना चाहिए। एंड हाउ डू यू ऑप्टिमाइज दैट? हाउ डू यू ऑप्टिमाइज थिंग्स? ऑप्टिमाइज तभी कर सकते हो वेन यू नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जब तक तुम उस एन स्क्वायर को एन लॉग एन में नहीं ले आते हो, तब तक हाउ कैन यू रिड्यूस दैट 100 मिलीसेकेंड डिले, राइट? सोच के हाँ तो कोई सॉल्यूशन इंप्लीमेंटेड है, दैट इज टेकिंग 10 सेकेंड्स ऑफ टाइम। अब तुम उसको एन लॉग एन में ले आए, दैट टाइम कम 2 सेकेंड। नाउ क्या हुआ? और कस्टमर्स आ रहे हैं, यू आर गेटिंग मोर कस्टमर्स, राइट? वहीं पे अगर वो स्पीड दोबारा बढ़ जाता है, यू आर लूजिंग कस्टमर्स, राइट? तो उस चीज को पकड़ के रखना होता है, राइट? कि स्पीड मस्ट बी कॉन्सिस्टेंट, कुछ भी हो जाए। तो हॉटस्टार को देख लो, जब इंटर पाकिस्तान की मैच होती है, लाइक 1.2 करोड़, 1.3 करोड़ लोग देखने आ जाते हैं, ज्यादा इनफैक्ट। हाँ राइट? राइट? तो सोच के देखो कि क्लाउड, मतलब हॉटस्टार एडब्ल्यूएस क्लाउड पर चल रहा है, राइट? तो सोच के देखो कि कितना ज्यादा ऑप्टिमाइज एप्लीकेशन है उनका, इतना फास्ट है, इतना स्केलेबल है, कि इतने सारे कस्टमर्स को एक साथ हैंडल कर पा रहा है, और वो भी स्मूथली। और वो दैट्स अ लाइव ब्रॉडकास्ट, मतलब जब बॉलर बॉल फेंक रहा है, उसके 15 सेकंड के अंदर अंदर वो चीज में दिख रही है, विदाउट लीस्ट लैगिंग,
अगर मान लो कोई ब्रॉडकास्ट कर रहा है बट वो 1 मिनट का डिले ले रहा है, तो कौन दिखेगा? विकेट गिर चुका है, अभी पता नहीं चला कि पता चला कि विकेट अभी गिरा भी नहीं है। हॉट चलेगा वो चीज 10 सेकंड में कर रहा है, कि 10 सेकंड के अंदर अंदर जो चीज एक्चुअल में हो रहा है तुम्हारे पास आ रहा है, पीपल इज दैट ना, वो कैसे ऑप्टिमाइज हो रहा है? इसलिए ऑप्टिमाइज हो रहा है क्योंकि समबडी कोई इंजीनियर है जिसने एन स्क्वायर को एन लॉग में ले आके वो प्रोग्राम रन किया है, इसलिए तो इतना फास्ट है वो एप्लीकेशन। समझ रहे क्या इंपॉर्टेंस है डीएसए का? तो मैं बेसिकली जितना समझ पाया हूँ कि जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है जिनका कस्टमर बेस ज्यादा होता है, मतलब इनफैक्ट जो बड़ी कंपनीज है बेसिकली, उन लोगों को अच्छे डीएसए कोडर्स चाहिए होते हैं, मतलब है ना, जो अच्छे एब्सोल्युटली से जिन जिनको अच्छा जिनका अच्छा लॉजिक बिल्डिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो लोग उनको चाहिए होते हैं। और बाकी जो छोटी मोटी कंपनीज होती है, जो जैसे नए स्टार्टअप्स हो गए, इनको रेडी टू यूज चाहिए होते हैं कि जो अपना बस काम कर पाए, क्योंकि उनका उनका इतना ज्यादा लोड नहीं होगा उनकी वेबसाइट या उनके प्रोडक्ट पे, तो इसीलिए उनको इतना अच्छा, मतलब उनको एन हाँ स्क्वायर भी चल जाएगा, उनको एन लॉग इन की जरूरत नहीं एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली अच्छा ठीक ठीक है। है, अगर अगर हाँ सोच के देखो, कल को मैंने मान लिया उबर बनाया, ठीक है, उबर बनाया मैंने, मैं बस नोएडा में एरिया में मैं बस प्रोवाइड कर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, कस्टमर लिमिटेड होंगे, कैश लिमिटेड होंगे, तो आई डोंट नीड टू राइट दैट वेरी ऑप्टिमाइज्ड एप्लीकेशन, चल जाएगा। बट जब मैं उसको कस्टमर 5,000 कस्टमर्स होंगे मिस प्रोबेबली, राइट, बट जब मैं उस चीज को पुणे में एक्सपेंड करूंगा, कस्टमर बेस जब करोड़ों में आ जाएगा, तब आई नीड टू ऑप्टिमाइज दैट वेरी एप्लीकेशन, ताकि वो फास्ट रिस्पॉन्ड करे, जल्दी से कैब ढूंढ के दे, राइट। सोच के तो कोई जो ओला उबेर का जो एल्गोरिथम है ना, कि कैब ढूंढ के तुमको देता है, राइट, जब तुम कोई कैब बुक करते हो, सोच के देखो कितना ऑप्टिमाइज, कितना स्मार्ट एल्गोरिथम है जो ये काम कर रहा है। अगर वो टाइम ले रहा होता, लाइक अगर वो 1 मिनट 2 मिनट टाइम ले रहा है, तो हाँ एवरीबॉडी लाइक कैंसिल कर, चलते कुछ और देख लेंगे, ऐसा करेगा ना कोई, छोड़ देगा, किसी नहीं करेगा कोई, राइट। तो वही बात है कि अगर आप वो स्पीड दे पा रहे हो तो तब भी हो सकता है। अगर मान लो कल को अमेजोन खोलने में 1 मिनट टाइम लगा रहा है, तो तुम कौन यूज करोगे? तुम बोलोगे कि फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, नहीं, अमेजोन को खोली मारो, हाँ वो हाँ, एग्जैक्टली सही बोल रहे हो। ठीक है। अब जैसे बच्चों का ये भी डाउट था, ये तो जनरल डाउट है कि लाइक फर्स्ट ईयर में, मतलब अब वो बच्चे ऐसे पूछ रहे हैं कि, मतलब अभी जो नए नए फ्रेशर्स आए हैं, सबसे ज्यादा तो उनका ये डाउट है कि हम पढ़े कैसे। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें डिसेंट मार्क्स लाने के लिए, डिसेंट से मेरा मतलब अच्छे ही है, कि सही मार्क्स लाने के लिए कितना पढ़े यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, मतलब ओके, उसमें कितना प्रेशर लेना चाहिए कितना नहीं, मतलब वो सब उनकी बेसिकली बात चल रही है। देखो मैं तो पर्सनली ये बोलूंगा तुम लोगों को कि यूनिवर्सिटी आए हो डिग्री के लिए, ठीक है, स्किल्स अलग से बनाना है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि तुमको जो पढ़ाया जाएगा यहाँ पे वो अल्टीमेटली कुछ काम में लगेगा, बट मेजोरिटी तुमको डेवलप करनी है, वो यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि 8 के ऊपर रखो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, 8 के ऊपर सीजीपी रखना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, सच नहीं बताओ बट तो। वो तो हाँ ये तो सही है, बट वो ये पूछ रहे हैं कि लाइक मतलब पढ़े कैसे, मतलब मैंने जैसे मैंने अच्छा, तो पढ़े पर्सनली ये कैसे? देख, हाँ ओके ओके, देखो सबका अलग अलग होता है, कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्लास में पढ़ लेते हैं, ठीक, क्लास फैकल्टी जो बता रहा है समझ लिया क्लास में, ठीक है, तो वैसे पढ़ाई हो सकती है, वैसे समझ के, अगर अगर समझ आ रहा है तो घर आके ट्यूट सीट जरूर करना, ट्यूट सीट कर लो, ट्यूटर से जो भी मिल रहा है उसको कर लो अच्छे से, ठीक है, कौन से समझ लो, डाट्टा मत मारना, अगेन डाट्टा मत मारना, डाट्टा मार के ज्यादा नहीं पहुंच पाओगे, ट्यूट सीट कर लिया, समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है, एंड इजिली पास द एग्जाम, कोई बड़ी डिफिकल्टी वाली बात है ही नहीं, ठीक है, 8 के ऊपर रखना कोई भी डिफिकल्ट वाली बात है, जब आप पीछे तुम लोग ऑफलाइन में चीजें चल रही है, ऑनलाइन चीजें नहीं है, तो अभी डिफिकल्ट होगा ही नहीं, क्योंकि तुम जहाँ पे हो बाकी लोग वहीं पे है, चीटिंग कोई नहीं कर हाँ पाएगा, ऑफलाइन एग्जाम है, राइट। और जितना टाइम तुम दे रहे हो यूनिवर्सिटी में लाइक कोर्सेस वगैरह के लिए, उतना इक्वल टाइम दो अपना स्किल्स डेवलप करने के लिए, ठीक है, स्किल्स इंप्रूव करो। मेरा ये बोलना सबको है कि डोंट रन बिफोर द क्राउड, ठीक है, क्राउड के पीछे मत भागो, क्राउड के पीछे मत भागो, बाकी लोग जो कर रहे हैं तुम्हें वही करना है, कोई नेसेसिटी नहीं है, तुम वो करो जो तुम पसंद है, जो तुम्हारा पैशन है, तुम्हें अच्छा लगता है करना वो करो, तुम्हें लगता है, अगर तुमको लगता है कि तुम क्रिकेट खेल के तुम्हारा मतलब तुम इफ यू थिंक कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा मुझे क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलो भाई, विराट कोहली को देख लो आज, ठीक है, वो किसी मीटिंग में किसी एक इंटरव्यू में बताया था कि वो 12th नहीं थी कुछ पास, 12th स्कूल ड्रॉप आउट है वो, बेसिकली स्कूल ड्रॉप आउट है, ठीक है, अभी
लाइक लोग पागल है उसके पीछे, क्रिकेट हाँ अभी तो पूरा खेलता सेंसेशन है, है। ठीक हाँ है। उसने वो क्यों पसंद था उसको, उसको क्रिकेट पसंद था, उसे क्रिकेट खेला, ठीक है। अगर वो अपने पेरेंट्स की बात मान के, या फिर अगर वो जैसे इंडियन टिपिकल इंडियन पेरेंट्स होती है, नहीं इंजीनियरिंग करो इंजीनियरिंग करना है, अगर वो भी ऐसा करता ना, तो वो भी आज कोई एमएनसी में पढ़ रहा होता, 9 to 5 कर रहा होता बस। उसने वो क्या जो तो पसंद था, तो वो ही बोल रहा हूँ कि तुमको जो पसंद है वो करो, भले ही वो पढ़ाई हो, भले ही वो स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, बट इतना ध्यान रखना जो तुम चूज कर रहे हो वो तुमको पसंद होना चाहिए एक्चुअली में, अपने आप से झूठ मत बोलना, ठीक है। और जो तुम कर रहे हो तो अपने रिस्क से कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम आज चूज करोगे पढ़ाई नहीं, मैं आज कॉलेज ड्रॉप आउट ले रहा हूँ बट मुझे खेलना है, दैट्स अ वेरी बिग रिस्क। अगर तुम उस रिस्क को ले रहे हो तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, ठीक है, राइट। कोई जिम्मेदार नहीं होगा, बट वही है कि अगर तुम रिस्क ले रहे हो तो इसका मतलब ऑब्वियसली कुछ पैशन है, कुछ यू यू फील कि मुझे वो ही करना है, राइट। तब भी तुम इतना बड़ा रिस्क अपने लाइफ में लोगे, समझा पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ तो वही आप बात ठीक है। है। और एक अभी एक जैसे इससे एक क्वेश्चन हो रहा था कि जैसे आप एक तो मतलब पेरेंट्स तो ऑब्वियसली सबके सपोर्टिव होते ही, मतलब अंदर से तो वो सपोर्ट करते ही अपने बच्चे को, चाहे बच्चा कुछ भी करे, बट ऐसे बाहर से आप वैसे ऐसे तो कुछ अलग कर ही नहीं देते, करो तो आप पढ़ाई में ही रहते तो उनको इतना तो वो नहीं होगा, बट जैसे आपने ये IIT वाली चीज बताई, फिर उसके बाद आप जैसे कॉलेज में भी आप इतना टॉपर के लिए आप गोल नहीं कहते, बट आपके मम्मी पापा बोल तो रहे होंगे ना कि जैसे टॉप पर उसमें जाना है या इस टाइप से कुछ तो होगा ना उनका, तो उसको उससे कैसे आपने डील किया? देखो मैं एक चीज बताना भूल गया, मैं बताया तो फिर मैं इसका आंसर देता हूँ, ठीक है। पता हाँ है इन सोसाइटी में कैसा चलता है, इसको मैं सिंपल भाषा में बोलूँ ना, पेरेंट्स आर कॉम्पिटिंग विथ पेरेंट्स यूजिंग देयर चाइल्ड एज द सोर्ड। मतलब सोच के देखो, यू आर मतलब दो लोग झगड़ रहे हैं, मतलब दो लाइक देयर आर टू वॉरियर्स। लाइक देयर टू वेरियर्स हु आर फाइटिंग विथ अ सोर्ड, ठीक है। जो फाइटर्स है दे आर पेरेंट्स, और जो तलवार है दे आर स्टूडेंट्स, ठीक है। लड़ वो रहे हैं और भुगतना स्टूडेंट्स को पड़ रहा है, ठीक है। एक बार ये कॉम्पिटिशन दिमाग से निकल जाएगा ना कि मेरा मेरे शर्मा जी का बेटा इतना लाया, उसका बेटा इतना लाया, जब ये कॉम्पिटिशन दिमाग से आ जाएगा ना, तब सच में उस दिन कुछ हो पाएगा, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। कंपटीशन, दिस इज अ अनहेल्दी कंपटीशन। अगर मैं बोलूं कि मैं नेटवर्किंग कर रहा हूं, कोई और भी नेटवर्किंग कर रहा है, हम दोनों पसंद है वही चीज करना, दिल में कंपटीटिंग, तब वो असली कंपटीशन है। हाँ तब क्योंकि आप अपने दोनों अपने मन से कर रहे हो। हाँ उधर से हेल्दी कंपटीशन, राइट। जैसे मैं देखोगे टेबल टेनिस खेल रहे हैं दो प्लेयर्स, ठीक है, दस हेल्थ कॉम्पिटिशन, क्योंकि उन्होंने चूज किया है खेलने के लिए, एंड देयर कॉम्पिटिंग विद इच अदर, ठीक है, राइट। ये चीज है। तो मतलब अब वही मतलब फिर कि भाई मतलब आपके मम्मी पापा ने कैसे आपको मतलब कुछ डांटा या क्या, या देखो उस टाइप से कुछ मैं अपनी सिखाया बात कर तो? रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मैं बता रहा हूँ, मेरे दोस्त रिलेटिव, देखो मेरे पापा तो है नहीं, ठीक है, पापा गुजर गए 10 साल ओ पहले, अच्छा, ओ ठीक है, बस अच्छा, सॉरी। मेरी मम्मी है मेरी फैमिली में बस, ठीक ओके है। ओके ओके तो बेसिकली लाइक ऐसे रख सकता हूँ कि मेरे मम्मी रिलेटिव दोस्त सबने बहुत कोशिश की मुझे समझाने की कि क्यों कर रहे हो, JEE Mains पे ध्यान दो, इंजीनियरिंग पे ध्यान दो, वगैरह वगैरह, ठीक है। मैंने नहीं सुनी बात, साफ बता रहा हूँ, मैंने बात नहीं सुनी, मैंने वो किया जो मुझे पसंद था, वही बोलो, मैंने रिस्क लिया था, मैंने मुझे पसंद था, मैंने वही किया। मुझे साफ साफ दिख रहा था, पता है कि साफ साफ दिख रहा था कि मेरी मम्मी बस कंपीट करना चाहती है बाकी पेरेंट्स से, और कुछ नहीं। आई विल नॉट ब्लेम हर, मैं तो उनको कभी ब्लेम नहीं करूंगा, ब्लेम नहीं कर भी नहीं रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये हर घर का कहानी है, घर की कहानी यही है, ये घर की कहानी है, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम माई फैमिली। घर का ना वही चल रहा है, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम माई फैमिली, वही बात बट लेकिन आज है। आज प्राउड फील करती होंगी ना बहुत ज्यादा। हाँ मुझे बहुत ताने मिले, बहुत सुनाया गया मुझे कि IIT नहीं हुआ, NIT नहीं हुआ, क्या ही मार्क्स आए, 1 लाख किसी से कोई रैंक होता है क्या, लाइक बहुत नीचा दिखाया लोगों ने, लाइक बहुत कुछ हुआ है। मैं नहीं हूँ मुझे करना क्या है, मुझे मैं क्या कर रहा हूँ, पता था हमेशा मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, वही डटे रहना, हमेशा हारना मत, डोंट गिव अप,
नेवर गिव अप। अगर आप गिव अप कर दिया तो वहीं पे आप कॉम्पिटिशन से आउट होगे। गिव अप नहीं करना, जिंदगी तुमको बदतर से बदतर जगह पे जाके धकेल देगा तुम्हें, लाइक बुरा से बुरा चीजें तुमको दिखा देगा, तुम गिर जाओगे पूरा, ऐसे लगेगा कि कैसे अब कैसे, लाइक अभी एनर्जी नहीं है मुझे लड़ने की, तब भी अगर तुम उठ के लड़ाई कर रहे हो वो बड़ी बात है। कभी हारना मत, हार कभी मत मानना, हार मान लोगे तो खत्म, वही भी सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, ठीक बुरे दिन भी आएंगे अच्छे दिन भी आएंगे, हार ना मत कभी। है, तो मतलब मुझे लगता है कि आज का ये पॉडकास्ट सक्सेसफुल हो गया है। अगर आपको कुछ और ऐड करना है, लाइक एंड में अगर आप कुछ और एडवाइस देना चाहते हो पेनिटेंस को, मतलब आपने इतना सब कुछ तो बता ही दिया आपने, इनफैक्ट आई थिंक आपने सब कवर कर ही लिया है। इनफैक्ट मैं आपकी, अच्छा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं आपका लिंक्डइन आईडी नीचे दे दूं डिस्क्रिप्शन में, तो बच्चे आपसे कनेक्ट किया उस टाइप से कुछ हाँ, पूछेंगे मुझे प्रॉब्लम तो? नहीं है कोई, प्रॉब्लम नहीं है कोई। देखो मैं ना ऐसा इंसान हूँ हु प्रिफर्स कि आपसे मैंने बात कर लूँ इंस्टेड ऑफ लाइक कॉल। ठीक है, अगर आप कैंपस पे हो या फिर मिल सकते हो तो आके मिल लो, मैं बैठ के बात कर दूंगा, मुझे वो ज़्यादा प्रिफर करता हूँ। लाइक मैं इन प्लेस, सॉरी इन पर्सन ज़्यादा प्रिफर करता हूँ देन वर्चुअल वर्ल्ड, समझ रहे हो, अच्छा, ऐसा है तो मेनली। आपसे कैंपस में जैसे अगर ये बच्चे मिलने आए तो कब आप फ्री रहते हो, या किस टाइम पे कहाँ पे मिल सकते हैं आपसे, अगर आप बताना चाहते हो? आजकल देखो मैं ऐसे एक इंस्टाग्राम में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा बहुत काम करता हूँ, बाकी दिन घूमते रहता हूँ, इधर उधर करता रहता हूँ बस, क्या ही है, थोड़ा सा जिम विम करता हूँ कभी, थोड़ा सा ये चल रहा था तो फिट हो रहा हूँ थोड़ा सा, और कुछ नहीं। तो आप मतलब हॉस्टल में ही रह रहे हो अभी? हाँ, हॉस्टल में रह रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो मतलब मैं आपका लिंक्डइन नीचे डाल दूंगा, अगर किसी को कनेक्ट करना होगा कर लेंगे, इनफैक्ट बहुत लोग करेंगे ये देखना पक्का, तो वो आपसे लिंक्डइन पे पूछ लेंगे। फिर अगर इन पर्सन मिलना चाहते हो तो आप उनसे वहां मैसेज पे बात कर लीजिएगा, हाँ, है ना, वही चीज बेस्ट रहेगी आई थिंक अगर मेरे पास तो। टाइम रहेगा मैं फ्री हाँ, हूँ तो ऑब्वियसली मैं किससे भी मिलूंगा, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं खुद इंस्पायर हो गया अभी, मतलब एकदम पॉडकास्ट वॉडकास्ट ऐसा जब बंद होगा मैं एकदम पढ़ने बैठ जाऊंगा एकदम, मतलब समझ रहे हो आप, एकदम ही मस्त इंस्पायर कर दिया आपने, और काफी लोग भी हुए होंगे इंस्पायर, बहुत लोग हुए होंगे, मतलब आप, मैं सच बता रहा हूँ। और ये आपका पहला इंटरव्यू है ना, पहले। तो इसमें एकदम खुल के बोला है, मैंने जो और भी बोला ऑनेस्टली खुल के बोला है, मुझे मैसेज पहुंचा नहीं है सबको, कैसा करना चाहिए मैंने सब कुछ एग्जैक्टली बता दिया, जो मुझे लगता है मैंने बताया, कोई भी चीज़ में झूठ नहीं है, गलत नहीं है, एज इट इज बताया मैंने जो भी मुझे लगता है। चलो बहुत ही बढ़िया, मतलब एकदम मजा आ गया। तो आई थिंक अब हम एंड कर सकते हैं इस पॉडकास्ट को, क्या बोलते हो? ओके हाँ, कर सकते हैं। चलो, तो बाय बाय गाइस। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, अनिर्बन भैया का लिंक्डइन नीचे दिया है उनके साथ जाके मतलब उनसे कनेक्ट करना, और अगर कोई डाउट्स हो तो अनिर्बन भैया को मैसेज कर देना, और बाकी आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो मेरे को, और यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट व्लॉग या एडिट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या।